राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं श्री लाल चंद जी मूल, उनको आप जिताएं। आप पूरे प्रदेश की आंखें हम पर हैं और हमारी आंखें हमारे मिशन पे होनी चाहिए, हमारे मिशन पे होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहां से जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आगे की कड़ी में श्री डूंगरगढ़ से के जनसेवक मेरे साथी प्रवक्ता श्रीमान डॉक्टर साहब विवेक जी मात्रा साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। राम राम साहब। आज सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव के अवसर पर दूर दराज गांव ढाणियों से आए हुए सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक छोटे से संदेश पर अपना कीमती समय निकालकर इस मंच पर विराजमान राजस्थान की आवाज को बुलंद करने वाले जनप्रतिनिधियों का और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का जो हौसला बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, बड़े भाई साहब खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, हमारे मातृ शक्ति बहन इंदिरा जी बावरी, राहुल खान जी मेयर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पार्टी परिवार के प्रदेश और जिला के पदाधिकारी गण जो लगातार धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, वो सब आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जो आप और हम सब के लिए एक सपना देखा कि प्रदेश का विकास हो, राजस्थान देश के सर्वोच्च और सबसे विकसित राज्यों में जाए। लेकिन आज जो हालात हम देखते हैं कि जब अखबार के अंदर देखते हैं, चाहे कांग्रेस की योजनाएं देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं देखें, अखबार के अंदर वो बहुत सुंदर लगती है, पोस्टर के अंदर बहुत सुंदर लगती है, बाजार में से निकलते हैं तो कन्हैया तो गहलोत की मुड़ते की फोटो देखा भाई बहुत फूटरी लगे, कन्हैया मोदी की देखा भाई बहुत फूटरी लगे। लेकिन जन स्कूल हम जाके देखा, अपना बच्चा जब पढ़ने जावे, जटू पढ़ लिख कर SP और कलेक्टर बने, जटू पढ़ लिख कर थानेदार बने, डिप्टी बने, हॉस्पिटल का इंचार्ज बने और डॉक्टर बने, भी स्कूल के अंदर जावा तो स्कूल के अंदर अपन मास्टर कौन लाते, पोसार के जगह पोसार कौन लाते, घंटिया जगह घंटी कौन लाते, पीटीआई जगह पीटीआई कौन लाते। ये सरकार की व्यवस्था है। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं ऊपर से 1 रुपए भेजता हूँ तो वो जाकर जनतंत्र के अंदर 10 पैसा पहुँचता है। इन नेताओं ने मिलकर ये हालात कर दिए कि सरकार ऊपर से 1 रुपए भेजती है, नीचे 1 पैसा भी नहीं पहुंचता। इसका दंश किसानों को झेलना पड़ता है और आम नागरिक को झेलना पड़ता है। आज शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य के हालात बने, क्या सरदार शहर के अंदर जो हॉस्पिटल है, चाहे मातृ शक्ति हो, चाहे महिलाओं को और चाहे पुरुषों को, मरीजों को जब वहां जाना पड़ता है तो बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। भाई साहब मंच पर बैठे नेता हॉस्पिटल के माध्यम से नेतागिरी जरूर करते हैं कि मार तो फलानियों मरीज गया, आगे बढ़ हॉस्पिटल में तैयार मिला, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की, ऐसा भ्रष्टाचार सरदार शहर के अंदर फैला रहा। आज गांव डाणी के अंदर बैठा किसान का बेटा, हमारे पिता और माताएं और परिवार के किसान के लोग इस बात की उम्मीद के साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इन सरकारों के अंदर प्रत्येक पेपर बिकता है, चाहे रीट का पेपर हो, जो अभी वन रक्षक का पेपर हुआ, पटवारी ग्राम सेवक का पेपर हो, मंत्रियों से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब चोर हैं और बिके हुए हैं, ऐसा भ्रष्ट सिस्टम बना हुआ है। इस संकल्प के अंदर आगामी उपचुनाव के अंदर हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करके प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड को समर्थन देने के लिए, ताकि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उस लड़ाई को पूर्ण रूप से मजबूती से लड़ा जा सके। गांव ढाणी और देहात से हम लोग निकले, हमें पता है कि सरकार अखबार में चाहे कुछ भी छपवाए,
लेकिन गांव के अंदर आज भी पीने के पानी के ट्यूबवेल बंद, मोटर और केबल के अभाव के अंदर बंद पड़े, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। तो सरकार 6 घंटे बिजली का वादा करती है, वो पूरी बिजली नहीं देती और बिल के नाम पर AN और JN किसान का शोषण करते हैं, किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में खिलवाड़ करते हैं। किसान के छापे का मान सम्मान बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूरी मजबूती के साथ में इस उपचुनाव के अंदर विजय बनाकर हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना है। क्योंकि शहर के अंदर खड़े हैं, सरदार शहर शहर के अंदर गांधी चौक के अंदर बैठे हैं, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे छोटे मोटे जो उद्योग धंधे करने वालों की बात हो, चाहे GST का कहर हो, चाहे नोटबंदी के माध्यम से व्यापारियों की कमर तोड़ने की बात हो, लोकसभा के अंदर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक तबके का हनुमान जी ने प्रतिनिधित्व किया और हर वर्ग की आवाज उठाई। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में इस प्रदेश की हालात और इन पार्टियों द्वारा किए जा रहे शोषण के बारे में अवगत करवाया। अब आगे की कड़ी में मैं जेतारण से चलकर हमारे बीच में पधारे मेरे साथी क्रांतिकारी आवाज के धनी भाई रोहित जी गुज्जर से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना क्रांतिकारी उद्बोधन आपके समकक्ष दे। भाई रोहित जी गुज्जर, भारत माता की, भारत माता की, बोले देवनारायण भगवान की, बोले तेजाजी महाराज की, बोले राम सापीर की। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भोपालगढ़ से विधायक बड़े भाई पुकराज जी, राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज बुलंद करने वाले लोक लाडले विधायक बड़े भाई नारायण जी, बड़ी बहन इंदिरा जी, वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारी साथियों, सरदार शहर के इस उपचुनाव की नजरें 2023 के चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर अपने किसान के बेटे को आपकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भाई लक्ष्मण मुंड को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाने का काम करें। यह संदेश आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगा कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से उभरने वाली पार्टी है। साथियों, कुछ नेता आरोप लगाएंगे कि हनुमान बेनीवाल जी एक जाति विशेष के नेता हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित जब भी हनुमान बेनीवाल को आवाज लगता है, लगाता है, तो वो कभी भी नहीं देखता कि किस जाति का है। एक आवाज के ऊपर हनुमान बेनीवाल उसके पास पूछकर उसकी मदद करते हैं। साथियों, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक मजबूत हुकार भरे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद रोहित भाई। अब आगे की कड़ी में मैं हमेशा आपके बीच में रहने वाले बीकानेर से चलकर यहां पहुंचे पधारे हुए डूंगर कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष और बीकानेर के अंदर लूनकरण सर विधानसभा के जनसेवक बड़े भाई विजयपाल जी बेनीवाल, जो कि अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर प्रदेश मंत्री भी है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने क्रांतिकारी उद्बोधन से आपको संबोधित करें।
भाई विजयपाल जी बेनीवाल। आज सरदार सर की धरती पर किसानों जवानों के बीच में इस नामांकन रैली में पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मंच पर विराजमान अग्रिम पंक्ति के नेता और मंच के सामने मंच की शोभा बढ़ाने वाले और इस इलाके के पिता तुल्य किसानों नौजवान युवा साथी आप सब लोगों को सारे नेता पार्टी की रीति नीति के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको बहुत कम शब्दों में सार गर्भित बात जो कहने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप और जो मंच के सामने बैठे हैं और मंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं, हम सब लोगों के परिवारों की जो स्थिति है, हम जिन परिवारों से संबंधित हैं, सबके परिवार एक जैसे हैं, सब किसान परिवारों से ताल्लुकात रखने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जब मंच लगते हैं, मंच पर बैठने वाले लोग महलों से निकलने वाले और एसी के दफ्तरों से निकलने वाले लोग हैं और उनके बेटे हैं, और मंच के सामने बैठने वाली जनता आप और हम जैसी है। इस फर्क को खत्म करने के लिए, इस खाई को खत्म करने के लिए आप अपने बेटों को अपना नेता बनाना शुरू करें और इस प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति का संदेश दें। साथियों, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार करने शुरू किए हैं। या तो चौधरी देवीलाल जी ने एक ऐसी पोल लगाई थी नेताओं की, जिसके नेता आज देश के अलग अलग कोणों के अंदर चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, उनके वक्त के जो दूसरी पीढ़ी के नेता थे, आज पूरे हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में आज वो नेता के रूप में स्थापित है, किसान कौम की राजनीति कर रहे हैं। साथियों, इस राजस्थान की धरती पर सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी बदौलत किसान के बेटा, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, गरीब के बेटे उनके नेता बने हैं। मैं एक साधारण से परिवार का हूँ और आज इस मंच पर बोलने का सौभाग्य है, और आज मैं मेरी पंचायत के अंदर सरपंच भी हूँ, एक लूणकंसर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाना, ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल की बदौलत ही संभव हो पाया है। अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी में होता, साथियों, ये कतई संभव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज यहाँ किसान बिरादरी के लोग बैठे हो, आप बताओ कि सरदार शहर की धरती पर किसान के बेटों को कांग्रेस और बीजेपी से कब से दावेदारी कर रहे हैं? कभी टिकट दिया क्या? आपको पूछते तक नहीं है कि आपको टिकट किसको देनी चाहिए, आपसे सलाह मशवरा भी नहीं होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद दो कि जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर एक अलग जगह ही है, किसान को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, टोल मुक्त और किसानों की संपूर्ण बिजली फ्री और कर्ज मुक्त राजस्थान की अगर बात किसी नेता ने करी है, वो एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल जी हैं। मैं आप तमाम लोगों से लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके पास सुनहरा मौका है। जहां भी उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव जनता के भाग्य के दरवाजे खोलते हैं और जनता को एक नया नेता चुनने का अवसर देते हैं, क्योंकि उपचुनाव सिर्फ नेता के घर में ही घाटा है, बाकी जनता के तो फायदा है। अरे 15-20 दिन वो जोरदार बोल है और ये बोल के मां थाने गांव ग्वाड गली पर बैठ कर एक ही बात करनी है कि आपनी जको चिंता करे, आपन भी चिंता करनी है, जको आपनो शोषण करे, जको आपने पर राजकरण की नीति आवे भी आदमी नकारनो है, क्योंकि वोट रूपी ताकत का सही इस्तेमाल करना है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि वोट रूपी ताकत आपको एक ऐसी ताकत दे रहा हूं जो महल में बैठे राजा के पास भी उतनी ताकत रखता है और झोंपड़ी में बैठे एक निर्धन किसान मजदूर के पास भी उतनी ताकत रखता है। इस वोट से राजा को रंक और आम आदमी को राजा बनाने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। आप लोग ही हो विधायक और सांसद बनाने वाले, आप लोग ही हो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले। फैसला आपको करना है, आपको तय करना है कि किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, गरीब के बेटे को आपका नेता बनाना है या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई व्यवस्था को आगे सुचारू रखना है। गांव ढाणी में पहुंचकर हनुमान बेनीवाल जी के सपनों को मजबूत करना, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये एक साल की परीक्षा है, एक साल हमें आजमा कर देखिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा जिस दिन सरदार शहर की धरती पर फहराया जाएगा, यहाँ का विधायक विधानसभा में जाएगा, हम आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपका बच्चा बच्चा ये कहेगा और आप जो
बुजुर्ग हो ये कहोगे कि आजादी के 75 साल बाद हमें पहली बार वोट देने का जो स्वाद आया है, पहली बार वोट देने को स्वाद आसी था ने सही जगह वोट मारो लागू है, आज तीन अंधेरे में वोट दियो है। इन खातर मैं मेरी वाणी ने विराम दू, समय कम है, अग्रिम पंक्ति का नेता है, बैठन बहुत सी बातें बता सी, लेकिन आज अपन संकल्प लेकर घरे जानो है, हर घर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा फहराना है। जिस घर के अंदर हल जोतने वाले लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वो अपने हर घर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा फहराएंगे और 5 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहां से प्रत्याशी जिताकर विधानसभा की ओर भेजेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजय पाल जी बेनीवाल। भाई ने जिस तरीके से आपको वोट की ताकत के बारे में बताया कि किस तरीके से हम अपने वोट कास्ट से इस प्रदेश की सत्ता की जड़ें हिला सकते हैं और किस तरीके से अपने जो जनप्रतिनिधि है उनका चुनाव कर सकते हैं, पर भाइयों चुनाव आप लोगों को करना है, ये जो वोट की ताकत है वही सब कुछ है। अगर आप अच्छे को चुनोगे, सच्चे को चुनोगे तो आने वाले समय में आप सही से अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरी कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे नेताओं को देखते हुए आपको बहुत टाइम हो गया किस तरीके से वो भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरीके से आपको धोखा देते हैं। अब आगे की कड़ी में मैं जैसलमेर से हमारे बीच में चलकर पधारे हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आर के मेहर जी से निवेदन करता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपना उद्बोधन आपको दे। आर के मेहर जी सरदार शहर की इस पवन धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और लाडले विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, खेउसर के लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा बावरी जी और हमारे और आपके लाडले प्रत्याशी लालचंद जी मून साहब और मंच पर विराजमान सम्मानित सभी मेरे साथीगण और सामने बिराजे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको पार्टी की रीति और नीति के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं भी आपके बीच में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से चलकर एक ही आह्वान लेकर आपके सामने आया हूं कि आपके और हमारे किसानों का, गरीबों का, दलित मुस्लिम और सभी 36 कौम का एक ही चाहने वाला हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को हमें और आपको आगे बढ़ाना है। आज राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस हो, जो सरकार का शासन आपने काफी बार देखा, भारतीय जनता पार्टी का शासन आप लोग देख चुके हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां हनुमान जी बेनीवाल जब से आरएलपी बनाई है ये पार्टी 4 साल से आपके बीच में है, राजस्थान के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रही है, किसी दलित के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है और न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने कभी सोचा नहीं, जाति पाति पूछी नहीं। जैसे ही उनके पास मैसेज पहुंचा, हमारे नेताओं ने, पदाधिकारियों ने उनको बताया, अवगत करवाया, वो तुरंत ही वहां से रवाना हो गए और जब तक न्याय नहीं मिला आपके बीच में जमे रहे, डटे रहे, हर भाई को, 36 कौम को न्याय दिलाया है। आज जो 2023 से पहले ये उपचुनाव है, इसके अंदर आप सब सरदार शहर वासियों को ये बताना होगा, इस प्रदेश के सभी जो पार्टियां राज करती आई है उनकी आंखें खोलनी होगी और हमारे भाई लालचंद जी मूंड को भारी मतों से विजय बनाकर आप एक सरदार शहर के अंदर नया इतिहास लिखेंगे और उस इतिहास में आपका और हमारा भी, जहां भी इतिहास लिखा जाएगा, जब आने वाली पीढ़ी इतिहास को पढ़ेगी कि बदलाव के अंदर कौन कौन सी विधानसभा ने बदलाव दिया और कौन कौन से लोग जागरूक थे, उसमें आपका और हमारा भी नाम आएगा। 36 कौम के भाइयों से मैं यही विनती और निवेदन करने आया हूं कि बड़ा मौका, अच्छा है, सुनहरा मौका है, आरएलपी को मजबूत करें, हमारे किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब और उनकी पूरी टीम को मजबूत करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेयर साहब। अब आगे की कड़ी में मैं अभी पिछले साल संपन्न हुए उपचुनाव में सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे श्रीमान सीताराम जी नायक साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। सीताराम जी नायक हमारे पिछले साल उपचुनाव के अंदर सुजानगढ़ से प्रत्याशी थे, इन्होंने बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा और इन पार्टियों को कड़ी टक्कर देते हुए
बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से रह गए थे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो कमी को पूरा करना है और जो सुजानगढ़ के अंदर कमियां रह गई थी उनको पूरा करते हुए आगामी 5 तारीख को भारी मतों में वोट देकर भाई लालचंद जी मूर को विजय बनाना है। सीताराम जी नायक, भारत माता की। आनंद को नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, रोटी को नहीं खा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। बोलो राम साहब पीर की, बोलो गोगाजी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो नौनाथ 84 सीता की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। धन्यवाद। परम सम्मानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई पुखराज जी गर्ग साहब, सबके लाडले विधायक किंवसर विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, मेरे साथ चल करके मेड़ता विधायक बहन इंद्राजी बावरी साहब और सम्मानित मंच और मेरे पार्टी के कर्णधार योद्धा मोतियों से मंगे मेरे पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजमान सरदार सर की धरती पर आज चौपाल में हम गांधी चौक में सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा। मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, मैं आपका थोड़ा ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। मेरे भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आज तक आप वोट देते आए हो और इनका इन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए हैं वो सब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जनता के सब सामने हैं। मैं 10-12 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आज हमारे बीच जो नहीं रहने वाले मोहरलाल जी यहाँ से 7 बार चुनाव जीत करके गए थे, तो कहने लगे मैं जनता की रक्षा और सुरक्षा करूंगा। मेरे भाइयों, आपसे आपको धोखा देते रहे, विश्वासघात करते रहे मेरे भाइयों, 7 बार चुनाव जीते तो 7 बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक हॉस्टल की अच्छी सुविधा तो नहीं कर पाए। मैं घूम करके देखा हूँ, यहाँ हॉस्टल का नाम ट्रोमा हॉस्टल रख रखा है। जब मेरे भाई बहन माताएं संकट में होती है, दुविधा में होती है, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही अच्छा होता, तो स्वास्थ्य की सुरक्षा और रक्षा नहीं कर सके और अब झूठा वादा करते हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े रहे, मेरे पिताजी के सपने पूरे करूंगा। अरे बेटे तो उन्हीं के हैं, जब पिताजी ने ही सपने पूरे नहीं किए तो बेटा कहां से सपना पूरा करेगा। हमारे भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है, आपको सब भ्रमित करना चाहेंगे। आ तो जाटों की पार्टी है, यदि जाटों की पार्टी होती तो सीताराम नायक आज मंच पर थोड़ी दहाड़ता। ये जाटों की पार्टी होती तो पुखराज जी गर्ग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी होते। मैं कहना चाहूंगा आप सबको, और ये जाटों की पार्टी होती तो हमारे मेहर साहब मुस्लिम समाज से हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष थोड़ी ना होते। मेरे साथियों, ये 36 कौम की पार्टी है, 3600 समाजों की पार्टी है। मैं 3600 समाजों को आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन भी करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि आप हनुमान जी भाई साहब के हाथ मजबूत करो। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, देखिए हम 70% लोग हैं मेरे भाइयों, SC ST अल्पसंख्यक और OBC संपूर्ण हम ये 85% लोग हैं मेरे भाइयों, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ये 15% लोग हमारे को ढक्कन लगा के बंद कर देते मेरे भाइयों, जबकि काम करने वाले हम हैं। अब जाग जाओ मेरे भाइयों, मैं 36 कौम को आह्वान करना चाहता हूँ, उठाओ जागो, अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाई बहनों, और हनुमान जी के हाथ मजबूत करो मेरे भाइयों। और कहना चाहूंगा, यहाँ से हमारे लालचंद जी मुंड को टिकट दिया है,
तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यहां से विदा कर निवेदन करना चाहूंगा। आज तक आप देते आए हो, आज तक वोट देते आए हो, तो यहां से यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत करके जाएगा तो कहेंगे हमारा राज था, तुम्हारे वोटों की कोई गलत गिनती नहीं होगी मेरे भाइयों। और यहां से भारतीय जनता पार्टी का जीत के जाएगा तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि मोदी जी की हवा चल रही थी। मेरे भाइयों आपको कहना चाहूंगा, यहां से लालचंद जी मुंड को जीता करके भेजो तो मोदी जी की भी हवा निकल जाए और अशोक गहलोत जी की धड़कने बढ़ जाए मेरे भाइयों। ये यहां से हमें भरोसा और विश्वास दे। और आगे मैं आपसे वादा करता हूँ, लालचंद जी मुंड यहाँ से जीत करके जाएंगे तो जीतते ही हॉस्पिटल वाली सुविधा हनुमान जी बेनीवाल साहब को कह करके हॉस्पिटल वाली सुविधा हम आपको करवा देंगे। ये हम आपसे वचन देते हैं, वादा करते हैं मेरे भाइयों, जीता करके भेजो। इसी आशाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी बात आपने सुनी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ लालचंद जी मुंड को यहाँ से जीता करके भेजोगे और हमारी हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, उसी हिसाब से आप भी हमारा मान और सम्मान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी। हमारे बीच में हमारे विधानसभा उपचुनाव राजसमंद से प्रत्याशी रहे भाई प्रहलाद जी कटाना बता रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए, हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आगे की कड़ी में मैं आपके यहीं के स्थानीय जयलाल जी सारण जो कि अच्छे वक्ता है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। जयलाल जी सारण। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। के बात है, खानो खूनो खा गए कोई नहीं, ढीला ढीला कुकर चालो। अरे इस देश में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसका भाग अभी जागा नहीं है। मैं जीते तई मेरे खुद को परिचय नहीं दूं, इतने मेरी बैटरी चार्ज को नहीं है, जीते मेरी बैटरी चार्ज को नहीं है, इतने थन की सुनने को नहीं मिले। आ बात है इस वास्ते, पहली तो मैं मेरे खुद को परिचय दे दूं कि मैं लालों के लाल, इंडियन लाल, आप लोगों के लाल जयलाल, एक खूबसूरत सरदार शहर भूमि में बिलोंग करूं। मैं मेरे गांव बोजरा से है, सरदार शहर 15 किलोमीटर गंगानगर हाईवे पर, मेगा हाईवे पर मेरे गांव है, जयलाल मेरे नाम है, बोजरा से मेरे गांव है, सरदार शहर तहसील है, चूरू जिलो है, राजस्थान भारत को मैं निवासी हूं। ठीक है, तो इस वास्ते मैं सगला ना जोड़ के आई निवेदन करूं, विनती करूं कि दादो रे कहता 76 साल गया देश आजाद होने के, बेटा मैं तो अमन वाणिया नहीं वास्ते दिन नहीं के पढ़े लिखे लोग है, और ए आगे अपनो काम कंटो काट बोगरे अपन सके पटोलियो कर बोगरा, ई वास्ते दिन नहीं दादो रे भोला लोग आ, दादो रन ठा कोनी हो के ए लोग लोगों का ठाट बदल देसी, दादो रन के ठा के पीस और बाट बदल देसी, दादो रे नो ठा कोनी हो, दादो रे तो भोला, दादो रन देखो ए लोग लोगों का ठाट बदल देसी, दादो रन के ठा के पीस और बाट बदल देसी, अन्नी दे लेंगा ग्राम बना दिया, सिरंग बना दियो किलो, और थोड़ सो झुकतो तो लर थोड़ो ते ते टिलो, और के मोटो मोटे लांग सापने मिंटे हम करते ढिलो, ओ अंगो नारो हो। तो ई वास्ते अबे लोटे लून गाड़ लियो, और ज्यादा से की भीड़ अपा देख के आने के घूम चकर पर अबे हेलीकॉप्टर आवे, के भीड़ बहुत है, के बोट बंग है, बंगा बुंगा की कोनी, हेलीकॉप्टर देखने खाते जनता आई है, वोट देने खातर अपने सगे जे मेरी नेम ने तो अशोक जी बिंचे है जी लारली परेड के मां हेमावाल ने बुलाई ताल के मां बटे लाख लोग भेड़ा होया, और 20,000 पिंदो टिक्यो बटे लाखों लोग भेड़ा यार पिंचे जी वो पिंदो 20,000 टिक्यो। इम कहने सुनने की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं, आंखें आई देख वो करो, और हुई हुई सुन वो करो, आंखें आई देख वो करो। ठीक है नी, तो ये वास्ते कोई तो डरनो को नहीं, कोई रुकनो को नहीं, कोई झुकनो को नहीं, मैं एकलो लड़ना करू 9 जनवरी 2006 छू, बीजेपी कांग्रेस आगे पूरे ऑल इंडिया को देख सू, मैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग में जो न्यूट्रिशन एडवाइजरी हूँ मैं पूरे भारत को, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ पूरे भारत को, न्यूट्रिशन एडवाइजरी पूरे भारत को, न्यूट्रिशन मेटोर भी पूरे भारत को हूँ मैं। ठीक है नी, आ मेरो पूछ कौन कटे, थारो कौन पूछ कटे, जोर मार लियो मैंने जितो नहीं रोकनो तो रोक लियो,
ना मैं आऊं रुक्यो और ना मैं आऊं डट्यो और ना मैं आऊं कदी आगे झुक्यो। हाँ मेरी मुसलमानी कौन करी थारी कौन मुसलमानी करे है ए वास्ते नी। अब 36 पूर्ण कौम पूरी की पूरी पूरी की पूरी पूरी की पूरी बदला चावे ए वास्ते 76 साल गया लोगन देखता ने घना दिन लोगन अरे बाजार ताबड़ा एरकी बंट्यो को नी एरकी मिल्यो को नी ए वास्ते एको करनो बहुत जरूरी हो गयो। आ बात है बापू थी की बाप की एकली कोनी का तो देश आजाद कोनी रह जना सकला नंबर होनो चाहिए। आ बात है चाहिए मैं अरूर चाहिए जीतू चाहिए मैं खटे ही रहूं चाहिए मैं राजस्थान में चाहिए बिहार बंगाल उड़ीसा चाहिए खटे ही रहूं मैं झारखंड है चाहिए महाराष्ट्र है गुजरात है पंजाब है हरियाणा है खटे भी घूमू मेरे लोग खटको गए कोचो बहुत रोनो रहे क्यों यूट्यूब पर फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ट्विटर पर खटे भी देखे बड़े पहलो नक्शो मेरो ही दिशान मेरे लोग जीतवांगा बेहूरी तो की गई कोनी क्यों क्योंकि मैं मिलावट राम जी है जगह वड्डो ले रखे देश में पांच ले गए। आ बात है कोई तो कह मैं सड़क बनवा छा कोई कह मैं हॉस्पिटल बनवा छा कोई कह मैं यहां करवा छा कोई कह मैं यहां करवा छा मैं यहां कहूं कि मैं आ मिलावट राम जी जिक्की टाण खातर खड़े होड़ो हूं कि मिलावट राम जी बिचौलिए मिडलमैन ने काट दे छु और डायरेक्ट सेलिंग कर दे छु जना घरे नकली माल जावे ही कोनी तो नकली आप खावा ही कोन तो बीमार आप पड़ा ही कोन तो अपन हॉस्पिटल माणो ही कोन पड़े। आज ताई सरदार शहर में जितो नकली माल बिके इतो विश्व में कोई शहर में नकली माल कोन बिके क्यों के आधरा फोर की बोरी सेगी से एमपी में ले जितड़ा अंगे ग्राम बोरी जावे रिपियांगी के थे मारे पहुंचे बोपर बेचो बली माने कोई मतलब कोनी मारे सामने घरे रिपिया आ जाना चाहिए माल दहू तो बहुत नकली बेचो। अब अगलो चुनाव आसी अब जहां पर 5 तारीख को लालचंद जीता के भेजन ला रहा अरबियों आगे जो चुनाव आसी 23 सालों भी पहली पहली कम से कम में 300-400 आदमी की सी लिस्ट बना रखी है बाकी रैली कटने वालों हूं। आ बात है तो ये वास्ते अब कोई तो डरनो को नहीं कोई संगनो को नहीं कोई है जो सहगा से लोटे लून गाड़ लो एक बच्चा भी छूटा तो समझो सुरक्षा चक्कर टूटा। आ बात है तो ये वास्ते करो दिल खोल ये काम कोई टेंशन नहीं कोई बोधरेस ना रखो अपा 36 पूर्ण कोई को मैच की देन लाग रही है कमा गए 15% लोगों ने यानी 85% जनता का ला रही है कमा गए और 15% लोग हैं भाई जनता को खून पीने ला रहे हैं दौड़े तो फर शंख सोल पिए जू पिए शंख सोल पी जे ठा कौन पड़े बाद में ठा पड़े तिवालो आवे मैं कह के हो के शंख सोल पी गई रात तो ए भी साहब शंख सोल पिए जू अपन पीने ला रहे हैं चिंत्र साला हूं तो अब हटाना बहुत जरूरी हो गया। बात है तो ये वास्ते आज जितना भी मंच के ऊपर है एक एक नाम लेऊंगा तो टाइम बहुत लाग जो मैं तय दिल से हर हिंदुस्तानी को तय दिल से स्वागत करूं वो किसी जाति को है किसी धर्म को है किसी कौम को है और किसी पंथ को है मैं तय दिल से एक्स वाई जेड इंसान को स्वागत करूं भारत माता की जय भी बोलने लाग रही हूं। इस देश में कोई अभागा नहीं है फर्क सिर्फ इतना है कि अभी वो जागा नहीं है ठीक है तो ये वास्ते कोई डरनो कोनी कोई रुकनो कोनी दिल खोल गए लालचंद जी ने वोट देना है देना ही है एकला ने कौन देना नहीं सके और देना है भाई बेली रिश्तेदार बेली दोस्त जो भी है ये वास्ते अब बहुत सारो टेम है अपने कमर बोलने वाला है ज्यादा मैं बोलूं तो बेहतर घंटा 100 बोल सकूं मैं मंच को कोई मोहताज कोरी क्योंकि मंच के ऊपर मैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता ब्यूरो कोरी कितने कितने लाख लाख लोग स्टेज संबोधित करिए मैं वाह मेरे कोई टेंशन को नहीं मैं हूँ तो एक जम्मा जम्मा रे जम्मा जम्मा छोटे से परिवार हूँ किसान परिवार हूँ लाऊ जेवड़ो घसन वाला परिवार हूँ लाऊ जेवड़ो घसन वाला घर में मैं जामेड़ हूँ उम्र में मैं प्याजियो रोटी लून मिर्च राबड़ी खा के अरे स्टेज तक यानी पूरे हिंदुस्तान में तेल को मचाई है तो कोई निनाम को नहीं मचाओ मारे करूं खर्चो खा के मचाई है मैं कि नहीं कहते तो आ को कहीं मन आठ ना थे भाड़ेगा जोर मैं जो पास टक्कर लेने जावा 151 दिन मेरे धरनो चलो जयपुर के में गहलो साहब का नहरा काटा गहलो साहब को नहीं आयो नहीं एक को नहीं आयो दो बार को नहीं आयो तीन महीना को नहीं आयो चार महीना को नहीं आयो आखिरी 5वें महीने आनो पड़ो 52 पन्ना को फलडो ले गए हो कहवा थन जयलाल जी गाइडलाइन दे दी अब मारे पाऊ थे कि नहीं बस और चीज कि नहीं उजाड़ो मैं कहो मैं भाई बन तो सगला ना बस आशा जका अमीर होना चाहे सही खानो चाहे सही पीनो चाहे सही रिश्ते चालो चाहे सही बोलो चाहे सही पैरों चाहे सही शिक्षा लेनी चाहे
वहां लोगों में तो मैं हंसा के लूचा लफंगा टांग खेचे लोगों ने गिराने वाला वहां लोगों को भाई ये मारे सामने एक तीसरे को कौन दियो मैं क्यों जो हो रहा अब तो ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 बधाई आप लोग आया और मेरी बात ध्यान न सुनो और की हंसा भी हो कि मुस्कुराओ मायूस मत तो मायूस होने को कोनी मायूस ना हो इरादे ना बदले अगर किसी ने धोखा दिया हो फिर से संभलो फिर से खड़ा हो देखो लालचंद जी और आरएलपी अडवाण जी ने आप सबको संभलने का मौका दिया हो धन्यवाद राम राम जय अर्चिन धन्यवाद जयलाल जी अभी कुछ ही समय पहले मंच पे पधारे हमारे महिला मोर्चा के बहने अमृता जी हनुमानगढ़ से सुमन जी बोवाल जो महिलाएं मेरी बहनें बड़ी बहनें पधारी हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ ही समय में आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारने वाले हैं तो उनसे पहले जो भी मेरे भाई इधर उधर घूम रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपा करके पंडाल में पधारे। साथ ही 56-61 नंबर की एक गाड़ी किसी भाई की इधर स्कूल के आगे खड़ी है बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई तो मैं उससे निवेदन करता हूं कि वो गाड़ी वहां से हटाए। अब बाकी की पंक्ति में मैं हमारे उपचुनाव के अंदर राजसमंद जिला से प्रत्याशी रहे भाई प्रहलाद जी खटाना से निवेदन करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं बोले तेजाजी महाराज की बोले देव महाराज की। मंच पर विराजमान आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष एमएलए साहब समस्त मंच पर विराजमान नेता एवं मात्र शक्ति के रूप में विराजमान हमारी बहनें बड़े भाई एमएलए नारायण जी बेनीवाल साहब इंदिरा देवी जी और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों युवा साथियों आज इस सेठों का शहर सरदार शहर में उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार श्रीमान लालचंद जी को उतारा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करने चाहता हूं कि राजस्थान का आपने राज देखा होगा 2018 के बाद जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक किसान जवान मजदूर युवा बेरोजगार सबकी समस्याओं को आप सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आप सब लोग गांधी चौक में बैठे हैं। मैं अभी बैठे बैठे पूछ रहा था भाई रोहित से कि नाम गांधी चौक है लेकिन गांधी जी की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गांधी जी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग गांधी जी के नाम से वोट मांगने वाले लोग पिछले 40 से 45 साल लगातार सत्ता में रहने वाले लोग आप सब लोगों का वोट लेकर के राज करके चले गए। इस राजस्थान के कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लोगों ने किसानों को फूट डाल करके उनको कमजोर करने का काम किया है। आज सरदार शहर के अंदर जब हम वोट प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोट किसान वर्ग का है युवा वर्ग का है बेरोजगार का है। लेकिन सोचना पड़ेगा वो कौन से ऐसे कारण रहे हैं कि आज तक हम सत्ता में काबिज क्यों नहीं हो पाए। साथियों
हमारे नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, आप पिछले कई वर्षों से उनके संघर्ष को देख रहे होंगे और शायद मुझे ऐसा लगता है अगर इस नेता को आज आपने सरदार शहर की सीट जिता करके उनकी झोली में दे दी तो ये ट्रेलर होगा और 2023 की पिक्चर बाकी होगी। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा लड़ाकू नेता राजस्थान में आज तक ऐसा लड़ाकू और स्वाभिमानी नेता ना तो पैदा हुआ है और न कई वर्षों तक आपको मिलेगा भी नहीं। साथियों, चाहे कोई भी वर्ग क्यों ना हो, छोटी से छोटी पीड़ा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, हर मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनके 3 MLA और एकमात्र सांसद, जब आपका सांसद हिंदुस्तान की संसद में बोलता है तो मैं देखता हूँ और आप सब लोग देखते होंगे कि बीजेपी के 24 सांसद उनकी बत्ती गुल रहती है। आपने लोग बैठे होंगे, 24 सांसदों के नाम तक नहीं जानते राजस्थान के लोग। हमको गर्व होना चाहिए कि ऐसे लड़ाकू सांसद और ऐसे लड़ाकू हमारे बीच में MLA। राजस्थान की विधानसभा जब चलती है, राजस्थान के किसी भी मुद्दे को लेकर अगर विधानसभा के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। साथियों, आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं और एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आला कमान हो, चाहे उसका दफ्तर हो, वो राजस्थान के अंदर होता है। साथियों, दिल्ली का कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। साथियों, आप सब लोगों से आने वाले समय में हम सब मिलेंगे, निवेदन करेंगे और आप सब लोग, नेताजी अपने बीच में जल्दी से आ रहे हैं, आप सब लोग जो इधर उधर हैं जल्दी से जल्दी पांडाल में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। उनसे पहले मैं श्रीमान बाबूलाल जी कुलदीप, जो कि बामासा है और सुजानगढ़ से चलकर हमारे बीच में बता रहे हैं, रेकर समाज से बिलोंग करते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो संसद के अंदर अपना उद्बोधन दे। बाबूलाल जी बामासा। पूर्व वाइस चेयरमैन सुजानगढ़ नगर पालिका बाबूलाल जी, आज इस सरदार शहर के ऐतिहासिक गांधी चौक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लालचंद जी मूड साहब के समर्थन में नामांकन रैली में हमारे राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन 36 को हम के नेता, हम सब के चाहते भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। RLP के विधायक नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि 15 महीने पहले हमारे सुजानगढ़ में भी उपचुनाव हुआ था, आपको पता है, मास्टर मोहनलाल जी के गुजरने के बाद। और उपचुनाव में आज गहलोत साहब, पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह सरदार से में आया हुआ है, वहाँ पड़ाव डाले हुए थे और गहलोत साहब बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका ब्रिज चालू कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि 150 बेड की हॉस्पिटल है, वो 4-5 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दूंगा। हेलो, उन्होंने कहा था कि बालिका महाविद्यालय की जो बिल्डिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर बना दूंगा, पाइपलाइन डलवा दूंगा और बिजली की समस्या हटा दूंगा। ये भंवर सिंह जी बाटी, डूंगरमल जी गेदर, आज तो डोटासरा जी यहाँ आए, ये सब हमसे वादा करके गए थे। मैं 22 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था और मैं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में था, लेकिन मास्टर मोहनलाल जी के गुजरने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी भी अनदेखी की गई थी। मैं ये विचार कर रहा था कि मैं किसके साथ जुड़ूं, हमारे को कार्यकर्ताओं को गरीब का काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो मुझे मास्टर जी के बाद में अगर कोई राजस्थान में दमंग नेता के रूप में छवि दिखी तो हनुमान जी बेनीवाल की दिखी और मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़ा। मैंने मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना, लेकिन भाइयों, मैं हनुमान जी बेनीवाल की आपको बात बता सकता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं संपर्क में हूँ। वो मनोज जो विधायक जिस तरह आज ये मोहनलाल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई निष्क्रिय है तो वो मनोज है। उसने कोई काम का नहीं कर सकता। हम छोटे से छोटे
बड़े से बड़ा काम लेकर अगर हनुमान जी के पास जाते हैं तो सुजानगढ़ विधानसभा के काम होते हैं, चाहे मुकदमा दर्ज कराने की बात हो, चाहे पानी बिजली की बात हो, या अन्य कोई समस्या हो, या कोई ट्रांसफर की बात हो, तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का काम हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से हम लोग कराते हैं। भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह ठगने के लिए 5 तारीख तक यहाँ रहेंगे, इनके बहकावे में मत आना। अशोक जी गहलोत जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो झूठा बोल सकता है, उसका मंत्रिमंडल झूठ बोल सकता है, तो उससे ज्यादा और झूठ क्या हो सकती है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि लालचंद जी मूंड को जिताइए, हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत कीजिए, पूरे राजस्थान में 36 कौम का काम होगा। आज माइनोरिटी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की माइनोरिटी हनुमान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 80% माइनोरिटी आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हनुमान जी बेनीवाल के साथ है। क्यों है? क्यों मास्टर मोहनलाल जी जाने के बाद उनका कोई धनी दोरी नहीं है, उनका धनी है तो हनुमान बेनीवाल है, एसी का कोई धनी है तो हनुमान बेनीवाल है, ओबीसी का कोई धनी है तो हनुमान बेनीवाल है। भाइयों, में इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी के बेकार में मत आना और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत कीजिए, लालचंद जी आपके काम करेंगे, हम सब पूरे जिले के आरएलपी के नेता कार्यकर्ता आपके साथ सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बाबूलाल जी। अभी नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधारने वाले हैं। उनसे पहले जो मंच के इर्द गिर्द मेरे भाई साथी यहाँ खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो कृपया करके सामने पधारे। जो भी भाई यहाँ साइड में खड़े हैं और जो साइडों में घूम रहे हैं उन सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई साहब के साथ में वो अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पधार रहे हैं तो व्यवस्थाएं बनी रहे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया करके आप पंडाल के सामने पधारे। जो भी साथी भाई इधर खड़े हैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप भी मंच के सामने पधारे। जो भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षगण है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कृपया करके वो व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के अलावा जो भी भाई मंच पे बैठे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि उनके साथ में भी पधारे पदाधिकारी गण है तो कृपया करके आप भी थोड़ी व्यवस्था बनाने में मदद करें। मैं रतनलाल जी नायक सुजानगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं, उनको उनसे निवेदन करता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपना व्यक्तित्व दे देते। रतनलाल जी नायक। सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठे हुए महानुभाव उनका हार्दिक अभिनंदन और गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बता चुके हैं कि ये दोनों सरकारें कभी बीजेपी की आती है तो कभी कांग्रेस की आती है, इनको एक को 70 वर्ष हो गए हमें देखते हुए और एक को 40 वर्ष हो गए। ये उत्तर भिक्का मारी बारी रखते हैं, कभी अशोक जी आ जाते हैं तो कभी वसुंधरा जी, और आके हमें झूठा जो अपन मारवाड़ में कहते हैं ना प्लास्टिक वो देर उड़ जावे। मोदी जी एक गैस को योजना काटी कि गांव गांव ढाणी ढाणी के मान में औरतों की आंखें कौन फूटन दू, इसके लिए उन्होंने एक निकाली योजना, और वो योजना जैसे वोडाफोन और ये सिम वाले देते हैं ना पहले फ्री और फिर 625 रुपए, वैसे ही कर दिए भाइयों 1100 रुपए लेते हैं सिलेंडर के, पहले फ्री दिया और अब 1100 रुपए। तो भाइयों इनके जो ये बखावे हैं इनमें मत आइए, अगर अपन जीवंत आदमी को हाथ पकड़ना है तो जीवंत आदमी और एकदम सांस लो जोरदार मर्द है तो हनुमान जी बेनीवाल है, अपन मरेड़ा को साथ कौन नहीं देनो, सीधी सीधी बात है, अपन जीवता को साथ देनो है, मरेड़ी लाशा अपन कौन नहीं ठड़नी, और जीवंत आदमी अगर राजस्थान में है तो हनुमान जी बेनीवाल है। और कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही है कि पहले एक टेलीविजन पर टीवी पर आया कर तो एक एड निर्मा साबण को या सर्फ को के भाई साहब निर्मा साबण वाला कहता कि नी मेल को ढूंढते रह जाओगे, तो मन तो अब काल लाग गए क्या कांग्रेस बीजेपी ये ढूंढती रेजिसी ढूंढता थे आप देख सांग कांग्रेस बीजेपी के, तो
तो भाइयों इसी के साथ जय वीर तेजा जी, जय श्री बालाजी, जय हिंद। धन्यवाद। सांवर जी डाका जिला परिषद सदस्य, ओम जी मेघवाल जिला परिषद सदस्य, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर पधारें। सांवर जी डाका जिला परिषद सदस्य, ओम जी मेघवाल जो कि आपके स्थानीय जिला परिषद सदस्य थे। अब आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मेड़ता से विधायक महोदय इंदिरा देवी बावरी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। इंदिरा देवी बावरी जी जो कि हमारे बीच में उपस्थित है, मेड़ता से विधायक है, हमेशा इस प्रदेश के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाते हैं, श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। राम राम सा। आज जो सरदार शेर में जो चुनाव एरिया उपचुनाव और बाकी प्रत्याशी लालचंद जी आपके दिलों की धड़कन और रात दिन आपकी सेवा कर बाला लालचंद जी भाई और मंच पर विराजमान आपके पुकराज जी गरग और भोपालगढ़ से विधायक है। आज पुकराज जी गरग की कोई बड़ी समाज नहीं है तो भी आज आपके सामने आरएलपी के विधायक है और खींसर से विधायक नारायण जी भाई साहब और पूरा तन मन धन किसाना की और छत्तीस कौम की जो बात उठावे और सम्मानित मंच। वैसे सुजानगढ़ू आपने सब बातें भी बताई और पूरी खुशी भी बताई तो भी वास्ते आने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूं और आपके सामने पूरी दिन और रात मेहनत भी कर रही है। आज 10 दिनों आपके सामने घूम रही है तो भी वास्ते आज बातें तो आपने सभा ने बताई दी पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नई पार्टी है। आज सब विधानसभा में पूरा राजस्थान में चाहे कोई जान पहचान कर सकता है तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब की कर सकता हूँ। संसद तो और भी है आप लोगों ने बताई पर आज तक जो कोई भी दलित गरीब किसान की बात आपकी बात उठाई है तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब उठाई वो सिर्फ किसान का मसीहा सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब ही है। किसान की बात जो वही कर सकता है कि किसान की दर्द समझे और किसान की बात सुने और 36 कौम की बात सुने। आज आप लोग सब सोशल मीडिया में देख रहे हो चाहे छोटी मोटी घटनाएं जावे तो आपके सामने चाहे रोड पर बिठाओ चाहे रास्ता पर बिठाओ आपके सामने बैठी और आपने धरनों भी लगाई और आपने जब तक न्याय नहीं मिली जब तक आपके साथ में बैठ और पूरा प्रयास करी भी वास्ते आज 36 कौमों में निवेदन करूं कि आप लोग सब 36 कौम जुड़े। वैसे तो 70 साल की बात आपने बताई वैसे बूढ़ा बुजुर्ग भी बहुत सारे विराजमान हो 70 साल की बात आपने बताई दी तो आप लोग आरएलपी ने एक साल ही पर कर बताई दी कि एक साल में कत्ता काम हुए और 70 साल में आपके कत्ता काम हुआ वो आपने एक साल में ही रिजल्ट बताई दी तो भी वास्ते एक सच्चा और किसान और 36 कौम की सेवा कर बड़ा आदमी है। वैसे झूठा वोट देना है तो कांग्रेस बीजेपी है आपके सामने और सच्चो सही वोट देना है तो सिर्फ आरएलपी पार्टी है। आज कते भी आप बुलाओ तो आरएलपी को कार्यकर्ता आपने मिली और आपने जब तक न्याय नहीं मिली तो आपके बीच में बैठा रही तो मैं आपको एक ही निवेदन करूं। वैसे तो लालचंद जी भाई साहब आपके बहुत सेवाभागी है और आपकी सेवा भी करियोड़ा है तो एक बार आपके दिलों की धड़कन है तो एक बार पूरी ताकत लगा और आप आने एक बार देखो कि आरएलपी के मायने कत्तो जोश है। वैसे तो मैंने सुनबा मावे का कांग्रेस का एमएलए रेवे जत बहुत सारा काम है पर आज तक मेड़ता विधानसभा की बात में आपने बताई थी। वैसे सरकार में रियोड़ा एमएलए रिया पर आज तक मेड़ता विधानसभा के मायने सिर्फ आरएलपी का एमएलए 250 किलोमीटर रोड़ा आरएलपी के विधायक ने बनाई सिर्फ हनुमान जी के आशीर्वाद हो तो आज सरकार ने आप नहीं देखनी सरकार आप लोग ही बना बढ़ाओ और आप लोग ही मिटा बढ़ाओ। आप लोगों एक वादो करूं कि आज जो आपकी मांग है ना आप लोग सब बताई जायज मांग भी है पर आप लोगों की कोई सुनबाला नहीं है सिर्फ
कांग्रेस का नेता पे सिर्फ जाए ऐसी के महीने सो जावे और आराम करे, आप लोगों को वोट ले जावे, सरकार आप ही बना बड़ो और आप ही मिटा बड़ो, पर आपकी बात आज तक नहीं सुने। तो सिर्फ सुने कौन के जकांगनी सरकार नहीं रेवे, बे आदमी आपकी बात सुनी। वैसे 2023 में आप देख लेना कि जो झूठा है ना पाने तो आप लोग घर बिठाए दो, जो सही मनो आपकी जनता की सेवा करे आप लोग सब साथ जुड़ो। वैसे 36 कौम की बात है अबार आपने बताई, वैसे कई लोग कहे कि जाटा की पार्टी, तो जाटा की पार्टी है तो आज मैं भी बावरी समाज आप कहते तो थोड़े बहुत कम ही है, पर आज बावरी समाज की बेटी ने आज मंच पर एमएलए बना रहे एक डुल्लानी, बहुत बड़ी बात यह करे एक बावरी समाज भी सोचता कि अपना भी एमएलए कभी बनी, तो एक हनुमान जी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बनार और तन मन धनो पूरा प्रयास कर और आज एमएलए बनाई। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर तो भी आज हनुमान जी ने पूरा विश्वास कर और जिताई भी और पूरा प्रयास कर टिकट भी दियो, पर आज पूरा रण है मारे ऊपर है, तो मैं आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़, आप लोग सब मेरे भाई और माँ बाप हो, सबने मारो हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग एक बार आरएलपी ने आप लोग देख लियो, एक साल के वास्ते आप लोग सब आज पूरा वादो कर लियो। वैसे बार कहता के अशोक जी आ रही है, कोई बात नहीं आ जाए देख ले, पर बोर्ड तो अपन है भी बोतल में ही दे लो, बोतल ही दिखनी चाहिए 5 तारीख का, तो एक साल की बात है, ज्यादा बात नहीं है, वैसे 70 साल की आप बता रही हो, तो एक साल आरएलपी नहीं देख लियो, एक बार बोतल नहीं देख लियो ये बोतल में कितनी ताकत है और कांग्रेस बीजेपी में कितनी ताकत है, भाभी आपने ध्यान पड़ जाए। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब जिस शख्स का इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कृपा करके जो सामने सारे मेरे भाई है उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो कृपा करके व्यवस्था बनाए रखे। नेताजी अभी हमारे बीच में पधार चुके हैं, वो आएंगे, आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, तो मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। नेताजी कुछ ही समय में आपके समकक्ष पधारने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल जिस इंसान का आप सुबह से लेकर अब तक इंतजार कर रहे थे, वो इंसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हमारे नेता बड़े भाई साहब इस प्रदेश के जवानों किसानों के मसीहा श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सभी जोर और तालियों से उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हनुमान बेनीवाल बेनीवाल ने तो बताया कि मैं छोड़ जिंदगी सोचा
जो भी भाई यहाँ भाई साहब के साथ काबिले में बता रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके वो व्यवस्था बनाने में शोक करे और सामने पंडाल के अंदर बता रहे जिस इंसान जिस शख्स का आप सुबह से इंतजार कर रहे थे नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो इस प्रदेश के जवानों किसानों की उम्मीद और इस व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हुए जो 20 साल से इस प्रदेश को न्याय दिलाने के लिए खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं वो नेता जो बिना सोए बिना थके आप लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिना रुके चलते जा रहे हैं ऐसे शख्स को हम सब बड़े जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं। जो भी भाई यहाँ साइड में खड़े हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया करके वो मंच के सामने बता रहे जो भी यहाँ साइड में खड़े हैं मेरे भाई वो कृपया करके मंच के सामने बता रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जिनका हर दम एक ही मकसद एक ही मंशा रहती है कि इस प्रदेश की जनता को किस तरीके से उनका हक और अधिकार दिलाया जाए हमेशा वो इस प्रदेश के नौजवानों को किसानों को छोटे भाइयों को यही शिक्षा देते हैं कि हमें सच्चाई के पथ पर चलते हुए इस न्याय की लड़ाई को आगे लेकर जाना है और जो ये भ्रष्टाचार की सरकारें हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अब सबसे पहले मैं चूरू जिला की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कमेटी और चूरू के जिला अध्यक्ष उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सापा बनाकर और माला बनाकर भाई साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का जोरदार स्वागत करें। चूरू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कमेटी और जिला अध्यक्ष मैं पुलिस के जवानों से निवेदन करता हूं कि वो इधर वाला कृपया करके रास्ता बंद कर दें। माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत हमारे यहाँ से प्रत्याशी श्रीमान लालचंद जी मूड और चूरू के जिला अध्यक्ष और चूरू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कमेटी करने जा रही है जोरदार स्वागत करेंगे माला और सापा बनाकर। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से भाई साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल माननीय सांसद साहब भी हमारे लाडले प्रत्याशी हमेशा आप सबके बीच में रहने वाले लालचंद जी मुंड का भी स्वागत करते हुए
जोरदार तालियां श्री लालचंद मूंड जी के लिए भी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी गर्ग, लाल प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग का स्वागत करेंगे। बीकानेर के जिला अध्यक्ष श्रीमान दानाराम जी गिंटाड़ा सापा और माला बनाकर उनसे आगे की कड़ी में मैं हमारे खीवसर से लोकप्रिय विधायक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब का स्वागत करने के लिए महेंद्र जी डोरवाल जो कि हमारे सीकर से जिला अध्यक्ष है उनको आमंत्रित करता हूं। भागीरथ जी सीवर से निवेदन करता हूं कि वो नारायण जी बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे माला और साफा पहनाकर। अब आगे की कड़ी में इंदिरा जी बावरी जो की मेड़ता से विधायक है मैं उनके स्वागत के लिए विता जी चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि वो उनको माला भेंट कर स्वागत करें। उनसे आगे की कड़ी में मैं श्रीमान सीताराम जी नायक जो कि हमारे सुशानगढ़ से प्रत्याशी रहे थे उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। दिलीप जी हंतरा जो कि भरतपुर से चलकर हमारे बीच में बता रहे हैं उनको स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं सीताराम जी नायक के लिए। अब आगे की कड़ी में मैं बाबूलाल जी कुलदीप जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है और सुजानगढ़ से चलकर हमारे बीच में बता रहे हैं और रेगर समाज से जो बिलोंग करते हैं उनके स्वागत के लिए मैं विद्याधर जी सारण से निवेदन करता हूं कि वो आए और माला पहनाकर बाबूलाल जी कुलदीप का स्वागत सत्कार करें। सावर जी धाकड़ से निवेदन करता हूं कि वो आए और बाबूलाल जी कुलदीप का स्वागत करें। अब आगे की कड़ी में आर के मेहर जी के स्वागत के लिए मैं पूर्णाराम जी चिरंग से निवेदन करता हूं कि वो आए और माला भेंट कर इनका स्वागत करें। आगे की कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश आगरा से चलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सचिव राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी हमारे बीच में पधारे हैं उनको उनके स्वागत के लिए राजू जी
चौधरी से निवेदन करता हूं कि वो आए और नेम सिंह जी का स्वागत करें। उनसे पहले आर के मेयर जी का स्वागत करते हैं पूरन सिंह जी सिरंग। अब आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रणदीप जी चौधरी के स्वागत के लिए चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष जो हमारे बीच में बता रहे हैं सागर जी जाट से निवेदन करता हूं कि वो माला बनाकर भाई रणदीप जी चौधरी जी का स्वागत सत्कार करें। जो मंचासीन नेता हमारे बीच में बता रहे हैं भाई साहब के आने से पहले बता रहे थे उन सब से सभी आप बाकी वो भाई साहब के साथ में जो नेता बता रहे हैं उनका और जो तमाम प्रदेश पदाधिकारीगण का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चूरू कमेटी की तरफ से जिला अध्यक्ष मदन जी डाका माला बनाकर स्वागत सत्कार करेंगे। सभी प्रदेश जिला और तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत सत्कार करेंगे मदन जी डाका। हमारे बीच में चौमू विधानसभा के प्रत्याशी रहे 2018 के अंदर श्रीमान छुट्टन जी यादव साहब भी बता रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए राज भाई राज जाखड़ से निवेदन करता हूं कि वो माला बनाकर उनका स्वागत सत्कार करें। छुट्टन जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो यहां पधारे। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ पधारे हुए तमाम प्रदेश पदाधिकारी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी रहे विधायक प्रत्याशी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जिला अध्यक्षगण सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। अब आगे की कड़ी में चूरू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला कमेटी की तरफ से भाई साहब को 51 किलो की माला पहनाई जाएगी और उनका दमदार स्वागत किया जाएगा। मैं चूरू जिला अध्यक्ष मदन जी डाका और पूरी चूरू जिला कमेटी से निवेदन करता हूं कि वो भाई साहब का 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार जानदार शानदार स्वागत करें। उनके साथ में उपस्थित रहेंगे लालचंद जी मूड जो कि हमारे यहां से विधायक प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। बाकी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपा करके वो बैठ जाएं। विद्याधर जी सारण से भी आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पर आए।
श्रवण जी जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी भाई साहब को माला पहनाने के लिए मंच पर आए। श्रवण जी जो कि ग्रामीण अध्यक्ष हैं, बहुत ही सुंदर नजारा, जिस शख्स का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उनका आपके लोक लाडले नेता श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनका 51 किलो की माला पहनाकर बड़े ही शानदार जानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इससे खूबसूरत नजारा वो कोई हो नहीं सकता जो नेता आप लोगों के लिए हमेशा, आप लोगों की हमेशा समस्याओं को डाल बनकर आपके आगे खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, आप लोगों को हमेशा जब भी आप उनके घर पर आवास पर उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो आपको हमेशा वहां स्वागत सत्कार किया जाता है। उनके उपलक्ष में आप लोगों ने इतना जानदार शानदार उनका स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रणदीप जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। श्रीमान रणदीप जी चौधरी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सम्मानित मंच और आज के इस मंच के और किसानों और जवानों के, देश ही नहीं प्रदेश के नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, इनके संघर्ष की कहानी आप सब लोग जो मौजूद हैं उनसे कोई छुपी नहीं है। पिछले 30 वर्षों से यह आपके हकों और अधिकार के लिए सड़कों पे आप लोगों के बीच में चूरू जिले से इनके पास कभी भी आप निमंत्रण लेके पहुंचे, इन्होंने कभी किसी को निराश नहीं करके भेजा। चाहे रात के 2 बजे हो या रात के 12 बजे हो, आज वो इस राजस्थान का गौरव इन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में राजस्थान का गौरव बढ़ाया। आज उसी का ऋण उतारने का मौका सरदार शहर की जनता को मिला है इस उपचुनाव के रूप में। मैं तो आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि मूंड साहब को इस कांग्रेस और बीजेपी की परिपाटी जो पिछले लंबे समय से चल रही है, एक बार, अरे आपके 1 साल का टाइम है, अगर इस 1 साल के लिए आप लालचंद जी मूंड को एक बार अपना प्रत्याशी बना के विधानसभा में भेज दो, आपकी कमियां खामियां आपके पूरी जिले की जिम्मेदारी माननीय एमपी साहब उठाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कई तो आपकी पार्टी के कई स्टार प्रचारक नेता हैं, जिन्होंने मंचों पे आने के लिए भी वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत पैसे भी मांगते थे। आपको उन चीजों को भी नहीं भूलना है। इसको हराने की इनकी इनकी बढ़त में उनको वोट दे देना, इनकी बढ़त में उनको वोट दे देना। आपके सामने माननीय सांसद साहब, एक मजबूत बेदाग छवि का इंसान आपके सामने प्रत्याशी बनाया है और आप सबकी सहमति से और आप सबकी राय लेके आपके सामने कैंडिडेट रखा है। इसको बहुत मजबूती से आने वाले 5 तारीख को बहुत मजबूती से वोट देके विधानसभा में पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में हमारे चौमू से विधायक प्रत्याशी रहे श्रीमान छुट्टन जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दे। छुट्टन जी यादव। आज सरदार शहर की इस पावन धरा पर 5 तारीख को होने जा रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार लालचंद जी मूंड के इस नामांकन सभा में हम सब लोगों के और पूरे प्रदेश के ऐसा पीड़ित, शोषित और वंचित के प्रत्येक
व्यक्ति और समुदाय का सारा बनने वाले आरएलपी के सुप्रीमो सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विपक्ष के रूप में सदन में हमारी बात को मजबूती से रखने वाले सम्माननीय नारायण जी, हमारी विधायिका इंदिरा देवी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टी के नेतागण और उपस्थित नौजवान साथियों, पिता समान बुजुर्गों, क्योंकि काफी लंबे समय आप सब लोगों को हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल को सुनने के लिए आप व्याकुल हैं। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करने आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि आपने निरंतर इस प्रदेश में 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपना वोट दिया है, लेकिन इस बार जो वोट आपका परिवर्तन का वोट होगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई लालचंद जी मुंड को होगा। प्यारे भाइयों, ये उपचुनाव है, 2023 में मेन चुनाव होने जाएंगे, 18 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव इस प्रदेश में एक छोटे से पेड़ के रूप में रखी और आज वो वट वृक्ष बनकर पूरे प्रदेश के कोने कोने तक फैल चुका है। नौजवान साथियों, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की कोई सरकार बनेगी या गिरेगी, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए ऐसा चुनाव है और 36 बिरादरी की जनता का अगर आशीर्वाद लालचंद जी मुंड को आपने दे दिया तो आप निश्चय मानना 2023 में किसानों की सरकार होगी और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी उम्मीद आप सब लोगों से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे खीवसर से लोक लाडले विधायक श्रीमान बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दे। नारायण जी बेनीवाल। सरदार शेर की इस पावन धरा पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई लालचंद जी मुंड के नामांकन रैली में मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय हनुमान जी बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी, सीताराम जी नाइक, बाबूलाल जी कुलदीप, चूरू के जिला अध्यक्ष भाई मदन डाका और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सरदार शेर और आसपास के समस्त लोगों का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक छोटी सी सूचना के ऊपर भारी तादाद में आप लोग आज आके और भाई लालचंद जी मुंड के हाथ मजबूत करने का जो संकल्प आप लोग यहाँ ले रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी बताई और अभी हमारे सुप्रीमो आप सब लोगों को बताएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सब से करता हूँ कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो राजस्थान के अंदर एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए और आज तक आप लोग यही सुनते देखते आए हो कि राजस्थान में मिले जुली का जो खेल जो चल रहा है कि एक बार तू और एक बार मैं, और किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की कि राजस्थान के अंदर भी कभी तीसरा मोर्चे की कोई उम्मीद हो सकती है क्या। एक किसान के बेटे ने बीड़ा उठा के और पूरे प्रदेश को जगाने का प्रयास किया। मैं इतना ही निवेदन आपसे करता हूँ कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेके और सड़क से लेके सदन तक जो संघर्ष कर रहा है, उस अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को आप कभी कमजोर मत होने देना, ये मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं। अभी मैं देख रहा था जब उधर से आया, और वैसे 3-4 दिन हो गए मैं आपके इलाके में ही घूम रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ने हमें और पुखराज जी को रायशुमारी जानने का यहाँ जिम्मा सौंपा और हमने हर संभव प्रयास भी किए, खूब लोगों से मुलाकातें भी की, सब सब लोगों के हमने क्या क्या व्यू है वो जानने का हमने प्रयास भी किया। जब सरदार शेर को देखा तो मैं तो यहाँ के भामाशाहों को जरूर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सुंदर गेट भी बनाए, शेर के अंदर बड़े बड़ा पैसा लगा के अच्छा अच्छा काम कराने का प्रयास भी किया,
लेकिन जब अस्पताल के अंदर देखा, जिसके ऊपर बाहर बहुत बड़ा लिख रखा है रेफरल हॉस्पिटल, ये हमने राजस्थान में और कहीं नहीं देखा। रेफरल का मतलब ये होता है कि जो भी इस कोई मरीज यहाँ हॉस्पिटल में आता है उसको हाथों हाथ आगे रेफर करने का, उसको बोलते हैं रेफरल हॉस्पिटल। जबकि इतने बड़े सरदार शेर को देखते हुए यहाँ के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर की बात की। बवरलाल जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो लंबे समय तक सरकारों में भी रहे, लेकिन विकास के काम में उन्होंने कभी मेरे हिसाब से दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करता हूँ कि 10 रुपए की सरफ की थैली जब आप खरीदते हैं उस पर भी लिखा होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो भंवरलाल जी का बेटा जो चुनाव यहाँ से लड़ रहा है, इस बार तो सिर्फ इसको इस्तेमाल करो, आप इस पर विश्वास मत करो। मैं इतना निवेदन आपसे करता हूँ, क्योंकि ये जो चुनाव 5 तारीख को जो मत पड़ेंगे, इसके अंदर यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हार और जीत का बड़ा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार यदि यहाँ से जीतते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर किसान कौम का एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश के अंदर जाएगा। इसलिए मेरा ये विशेष निवेदन आप सबसे रहेगा कि 36 कौम के लोगों को एक जाजम पे बैठ के, कई लोग हमें जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का प्रयास करेंगे, कई लोग अगड़े पिछड़े के नाम पे हमें लड़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सबको यहाँ से यही संकल्प लेके जाना है, हम सबको मिलके और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, जो खुशहाल राजस्थान के सपने, राजस्थान खुशहाल कैसे बने इसके सपने को लेके जो बात कही है, हमें हमारे भाई हमारे बेटे हनुमान बेनीवाल के सपने को साकार करना है। एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबसे ही मैं निवेदन करूंगा, आज से ही जब आप वापिस गाँव जाओ, अपने आप को लालचंद मूंड समझ के और घर घर और ढाणी ढाणी तक बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति को पहुंचाना है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जिस तरीके से आपने बहुत ही कम शब्दों के अंदर आगामी होने वाले चुनाव के लिए किस तरीके से हमें लालचंद मूंड बनकर काम करना है, लालचंद मूंड बनकर काम करना है, ऐसे बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपालगढ़ से विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन आपके समक्ष दे। श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब। आज सरदार शहर के अंदर विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई लाल संजीव मुंड के नामांकन के अंदर आयोजित इस रैली में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नागौर के लोकप्रिय सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, क्यूंसर से लोकप्रिय विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता से लोकप्रिय विधायिका बहन इंदिरा जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा अध्यक्ष भाई रणदीप जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भाई आर के मेहर साहब, सम्मानित मंच और दूर दराज गांव और ढाणियों से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का इस नामांकन रैली के अंदर अभिनंदन, सभी का हार्दिक आभार। अभी आपको बहुत सारी बातें हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने बताई, मैं आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो है और जिन्होंने ये राजस्थान के अंदर ऐसी ताकत के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को स्थापित की, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था वो है जो कांग्रेस और बीजेपी ने 5-5 साल की बारी डाल रखी है और हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार पनप गया है। इस भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार देने के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया है। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 5-5 साल की बारी दे रखी है,
पांच साल आप राज करो, पांच साल हम करेंगे, जनता के काम करने की जरूरत नहीं है या जनता की आवाज सुनने की बात जरूरत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब इस प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी दलित परिवार के साथ में अन्याय हुआ हो, किसी किसान परिवार के साथ में अन्याय हुआ हो, तो हमेशा उनके बीच में रहकर सड़क से संसद तक उनकी बात उठाते हैं और उन परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी शख्सियत जो आम व्यक्ति के अंदर सतीश जी कौम के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि राजस्थान के किसी कोने में अगर अत्याचार की बात हो तो वहां से आवाज आती है हनुमान जी बेनीवाल साहब को बुलाओ, और अगर हनुमान जी बेनीवाल साहब आ नहीं सकते हैं तो वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने से हमारा काम हो जाता है। ऐसी शख्सियत जो आपके सामने है, जो ईमानदारी से आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है जिसके अंदर आप 75 साल से आप देख रहे हैं, आपने सभी लोग किसान हैं, हम लोग किसानों के वोटों से प्रदेश और देश की सरकार सुनते हैं, और आपने देखा होगा केंद्र की सरकार किसानों के विरोधी 3 कानून लेकर आई थी, राजस्थान के से 25 MP है, लेकिन एकमात्र सांसद जिन्होंने गृह मंत्री जी से बात हुई सार साहब से, इन्होंने स्पष्ट कहा कि गृह मंत्री जी मैं किसान हूं, और किसान जो सड़क पर बैठे हैं उनकी रगों के अंदर जो खून है वो मेरी भी रगों के अंदर खून है, जब तक किसान सड़क पर बैठा है मैं एनडीए के साथ संसद में नहीं बैठूंगा, और उनसे एनडीए से नाता तोड़ दिया था। आपने देखा हम 70 दिन तक सापुरा बॉर्डर पर धरने पर बैठे, उस कड़ाके की सर्दी के अंदर प्रदेश का एकमात्र सांसद था जो कड़ाके के अंदर उस सर्दी के अंदर उस वहां सापुरा धरने पर बैठे थे किसानों के पक्ष में। और आपने देखा 13 महीने बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन 13 महीनों के अंदर किसानों को ये कानून समझा नहीं पाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसान के हित की बात नहीं करते। अगर किसान के हित की बात करते तो इन 75 सालों के अंदर किसान को अपनी फसल की कीमत लेने के लिए सड़क पर नहीं बैठना पड़ता, इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप ऐसी शख्सियत को मजबूत करें जो हमेशा सतीशी कौम के लिए संघर्ष करते हैं, सतीशी कौम को न्याय दिलाने की बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की एकमात्र ऐसी रजिस्टर्ड पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, जिनका प्रथम प्रदेश का अध्यक्ष जो दलित परिवार से है, और सबसे ज्यादा टिकट पिछली बार दिए वो मेघवाल समाज और दलित परिवारों को दिए। अभी जो हम 3 विधायक हैं उनमें से 2 विधायक दलित हैं, और वो हमेशा हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देशानुसार विधानसभा के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी महामारी गायों के अंदर आई थी, इसकी लंबी बीमारी वो हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, विधानसभा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देशानुसार कोई विधायक अंदर धरना देकर आम पब्लिक के न्याय की बात करता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं जो हमेशा विधानसभा के अंदर संघर्ष करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। पुनः मैं आज सभी लोगों से अपील करता हूँ कि लाल संजी मुंड जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं, किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से आते हैं, डेयरी की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण जो स्ट्रक्चर है, ग्रामीण जो व्यवस्था है उससे जुड़े हुए हैं, उन सारी समस्याओं को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप वोट देकर जिताएं ताकि सरदार शहर के आम व्यक्ति को, किसान को, दलित को न्याय मिल सके। और आप सभी को अगर अभी उपचुनाव के अंदर आप सरदार शहर से बहुत बढ़िया लाल संजी को वोट देकर जिताते हैं
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। आपका सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं आपके या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुने गए प्रत्याशी श्रीमान लालचंद जी मून चेयरमैन साहब, जो कि पिछली चार योजनाओं से चूरू जिले की चार योजनाओं से 20 सालों से चूरू के चेयरमैन है, संस्थेरी के और पंचायत समिति के उपप्रधान भी रह चुके हैं और दो बार सरपंच भी रह चुके हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना उद्बोधन दे। श्रीमान लालचंद जी मून। परम सम्मान्य हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, खेवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी, सीताराम जी नायक और मंचासीन सभी साथीगण और गांव ढाणी से आए हुए सब किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज इस नामांकन रैली में आप जो बड़ी संख्या में आज आए हैं, इससे लगता है कि आज अपने मानस बना के जाओगे कि 35 साल की जो कुशासन की लड़ाई थी, अपन सब मिलकर लड़ रहे थे लेकिन नहीं लड़ी जा रही थी, अब वो हमारे लोक देवता हनुमान जी बेनीवाल जिसकी शरण में अपन गए हैं और ये हनुमान जी अपनी पेड़ा पार करेंगे। हनुमान जी एक साल आश्रय वाले हनुमान जी है, एक नागौर वाले हनुमान जी है, तो अब निश्चित रूप से नागौर वाले हनुमान जी अपने को पर्चा दे के जाएंगे और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो इस सरदार सर की जो 35 साल की कुशासन की लड़ाई है वो हम निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। 35 साल तक बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने इस सरदार सर को हर क्षेत्र में पिछड़े रखा, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, चाहे बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, चाहे हॉस्पिटल 100 बेड की मांग हो, घोषणा सब बार बार करते थे। पिछली बीजेपी राज में राजेंद्र राठौड़ ने घोषणा की थी 100 बेड की, अब मोहनलाल जी ने घोषणा कराई थी पहले, लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हुआ और सरदार सर की सड़कों की, पानी की, बिजली की और जो नहर के 56 गांव जो इंदिरा गांधी नहर से काट दिए गए थे, इनके बारे में पिछली बार मोहनलाल जी गांव में गए थे तो ये बोल के गए थे, भाइयों मैं अब आपके अगली बार आऊंगा तो नहर का मीठा पानी पीऊंगा और आप भी अपने गाँव में खुशहाल होगे और गाँव में आपके सिंचाई होगी, और अगर मैं आपको नहर नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके गाँव में नहीं आऊंगा, ये कह के गए थे, इस नाव से वोट मांगे थे और ये भी कह के गए थे कि सरदार सर को जिला बना दूंगा। आप देख लो क्या बना दिया, मोहनलाल जी ने हमेशा आप लोगों को बेचने का काम किया था, बार बार इस जनता को, सरदार सर जनता को बार बार बेचा है। मैं खुले मन से चुनौती देता हूँ इस मोहनलाल जी के, अब मोहनलाल जी नहीं है लेकिन इसके बेटे को चुनौती देता हूँ कि आप आम के आम पैदा होता है और आग के आग पैदा होता है, इसलिए नया आग मत पैदा कर लेना, क्योंकि 35 साल से जो अपने जेल रहे थे ना बार बार, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था तब गांव के बुजुर्गों ने मेरे को कहा था कि आप, हम अभी एक दो साल में मरने वाले हैं, आप हमारी बात पूरी करो, हमारा लक्ष्य है मोहनलाल को हराना, तो बुजुर्गों ने मेरे को ईमान धर्म से सोगन खुआ के कहा कि आप इस मोहनलाल को रहो, तो अब ये मौका आ गया है, इस मोहनलाल तो नहीं रहा लेकिन इसका बेटा जो विकास के नाम पर, अधूरे काम के नाम पर जो वोट मांग रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ अधूरे काम तो करते तो 35 साल हो गए, बार बार आप राज्य में आए, हमेशा कई बार मंत्री भी बने लेकिन क्या विकास के काम किए, सिर्फ अपने घर का घर भरने का काम किया, अपने अपने कौम का काम किया, कोई किसान का, कोई मजदूर का, किसी का काम नहीं किया, आपस में हमें भाई भाई को लड़ाने का काम किया, गांव गांव में अपने हर जाति में लड़ाने का काम किया और लड़ा लड़ा के वोट लिए, और दूसरा पक्ष था बीजेपी, बीजेपी ने जो कि हमारे प्रत्याशी अशोक पिंचा है, उन्होंने वो कई बार राज में भी रहे, एक बार विधायक भी रहे लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं अशोक जी पिंचा से भी पूछना चाहता हूँ कि आप पहले भी भाजपा के राज में रहे थे, क्या बनाया था आप सरदार सर में, बनाने के लिए कुछ नहीं है, अगर पिंचा जी से बनाना चाहते हो तो गांव में आपको क्लब बना सकते हैं जुआ खेलने के लिए, ये जुआ खेलने की क्लब बनाना है तो पिंचा जी को जिताना, और विकास चाहते हो तो लालचंद मुंड को जिताना। मैं 20 साल 22 साल से मेरे को आपने जो जिम्मा सौंप रखा है
जिस हैसियत से मैं हूँ इससे मैं आपके ज्यादा काम आता हूँ। हमेशा मैं आपके सुख दुख में हर तकलीफ में आपके बीच में खड़ा रहता हूँ। और मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप मेरे वोट दिए या नहीं दिए, मेरी किस जात के हो, किस कौम के हो, किस गांव के हो, और मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। लेकिन जो जिस हैसियत में सरपंच रहा, चेयरमैन रहा, उस चेयरमैन वाला चेयरमैन रहने से ज्यादा विकास के काम नहीं हो सकते। डेयरी का हो, पंचायत का काम तो जरूर करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई तो हमेशा लड़ी है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, बेरोजगारों की हो, चाहे स्कूलों के बारे में हो, हमेशा मैं आपके बीच में रहा हूँ। और जितनी मेरी हैसियत थी, इससे चार गुना आपको आपको मैंने बल दिया है और आपको नेतृत्व दिया है। इसलिए आप छोटी मोटी बातों को भुला के, मन भेद भुला के, और इस सरदार सर की पावन धरा को परिवर्तन की दिशा दे में परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। आप इसमें चूक मत जाना। और ये परिवर्तन अभी 2023 की आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान को नई दिशा देगा। और आप इस नई दिशा के मुख्य धारा में जुड़े, आप इस नई धारा को शुरुआत करें। और निश्चित रूप से आप जो आज इस संख्या में आए हैं, इससे उम्मीद लगती है कि आपने कुछ मन बना लिया है। और निश्चित रूप से आप परिवर्तन करके ही रहोगे। भाइयों, छोटी मोटी बात आपसे में हो सकती है, लेकिन ये सरदार सर की विकास की बात है। जो हनुमान जी ने पिछले 20-22 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आप भागीदार बनो और इस सरदार सर का परिवर्तन करके दिखाओ। और मैं मेरे को भाई साहब हनुमान जी ने RLP का उम्मीदवार बनाया है, आप सबके विश्वास पे बनाया है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे को जिताओ तो निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सरदार सर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो डिजारों का खेल चल रहा है। अभी हमारे विधायक पुत्र अनिल जी शर्मा, जो कि 4 साल से कांग्रेस राज में है, और वो क्या करते हैं, तस्वीर लगाने के लिए डिजार करते हैं। डिजार में क्या करते हैं वो सबको पता है, और हर अधिकारी के डिजार में वो डिजार पैसे लेने का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे तहसील कार्यालय है, जिसमें सरेआम आप लोगों के जमीन या जायदाद लेते हो, 1% ये चोर लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 8 तारीख के बाद में जो 1% लेता है, मैं किसी तरह से हारा हो या जीता हो, मैं आप 8 तारीख के बाद में आपका 1% बंद कराऊंगा। आप सहयोग करोगे तो इस चोर बाजारी को बंद कराऊंगा। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसको हम सब मिलकर लड़ेंगे, और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है वो हम सब मिलकर लड़ेंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, और सब आप तन मन धन से, आप युवा साथी जो आज जोश दिख रहा है, निश्चित रूप से मैंने संघर्ष किया है। कुछ आदमी जो लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, तो इसके पास बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। और मैंने आपके लिए संघर्ष किया, तो मेरे को दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस का राजा हो, चाहे BJP का राजा हो, मेरे को दोनों ने बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन मेरा हौसला और आपका सहयोग, तीनों ने मेरे को बर्बाद होते हुए भी मेरी हिम्मत नहीं हारी। और इस हिम्मत आपके सहयोग से मैं ये इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और जो बर्बाद करने वाले थे वो आज भी मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, और जो मेरे को जितना मेरा समर्थन दोगे, इससे चौगुना आपके बीच में हमेशा ऊर्जावान बन के लड़ाई लड़ूंगा। और आप हमेशा जो कहते थे ना कि आप संघर्ष करो और लड़ाई लड़ो और परिवर्तन करके दिखाओ, तो अब ये समय आ गया परिवर्तन का। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो नई क्रांति लाए हैं, इसमें परिवर्तन करके दिखाएंगे। और आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान में ये मैसेज जाएगा कि सरदार सर उपचुनाव में जो RLP प्रत्याशी है लालचंद मुंड को सरदार सिंह जनता ने जिताया है, पूरे राजस्थान में लहर लहर चलेगी RLP की। इसलिए आप इसमें चूक जाना। आपने 30-35 साल तक दूसरों को देखा है, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो मेरे से 10-15 दिन में क्या तकलीफ हो सकती है। मेरे को जो इन लोगों ने बर्बाद किया, इनको आप सब शिकायत देखो कि आपके बेटे को इन्होंने बर्बाद किया है, तो 10 महीने मांग रहा हूँ आपसे, 5 साल नहीं मांग रहा हूँ। इनको दूसरों को 35 साल दिया आपने, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार विश्वास करके देखो, एक बार अजमा के देखो। आप एक बार मेरा सहयोग करोगे तो बार बार आपको इस परिवर्तन की लड़ाई में हमेशा मौका मिलेगा कि सरदार सिंह जनता परिवर्तन कर सकती है। और आप इस परिवर्तनशील मन को बना के और आप गांव-गांव में लग जाएं।
मैं चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप सब भाई, सब मेरे बुजुर्ग, सब मेरे नौजवान साथी लड़ रहे हैं, सभी लोग लाल तृणमूल है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और आपके विश्वास पे, आपकी आशा के साथ मैं टिकट लाया हूँ। और आप निश्चित रूप से 35 साल के इस कुशासन को मिटा के और इस सरदार सर की दरा को परिवर्तन करके दिखाएंगे। और भाइयों, साथ भी नहीं बचे हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इनको 35 साल दे दिए। मैं आपके इस बीच में 22 साल से लड़ रहा हूँ, तो आप क्या 10 महीने या 7 महीने मेरे को नहीं दे सकते? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सरदार सर में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो, सड़क की हो, तो या नहर की हो, कुछ भी हो, अपन मिल के लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल ऐसे हैं कि इनके नाम से ही सब कुछ वो काम हो जाता है। हनुमान जी का नाम लेने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए आप इस मेरे वोट दे के और हनुमान जी के प्रति आस्था रखे, विश्वास जताए और चुनाव जिता के और आने वाली 5 तारीख को अपने मेरे पक्ष में बोतल के निशान पे वोट दे के विजय बनाए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और आप मेरे साक्षी हो, आप मेरे भगवान हो। इसलिए आप ये विश्वास करके जाना। और ये जो जिन्होंने मेरे को 22 साल तक मैं आपके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने मेरे को झूठे मुकदमों में, झूठे केस मुकदमों में और हर तरह से मेरे शिकायतबाजी करके मेरे को परेशान किया, लेकिन मैंने आपकी बदौलत हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत नहीं हारने का कारण था आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विश्वास। इसलिए आप एक बार 5 तारीख को बोतल के इंसान पे वोट दे के और विजय बनाए। और मैं आपकी हर इच्छा को, हर आशा को पूरी करूंगा। इसी की आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद लालचंद जी। अब आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी महान शख्सियत को, इस राजस्थान के, प्रदेश के किसानों, जवानों के मसीहा, बेरोजगारों, दलितों, पीड़ितों की आवाज, हमारे फायर ब्रांड नेता, द फ्यूचर ऑफ राजस्थान पॉलिटिक्स, श्रीमान नादौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब। हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो सरदार शेर की उपचुनाव की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाए, जब बोले विठ्ठया जी महाराज की, जब बोले सालासर दरबार की, जब बोले रामसा पीर की, जब बोले जसनाथ जी महाराज की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित सरदार शेर उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, छात्र राजनीति से लगातार मेरे साथ रहे, सरदार शेर के गांव गांव ढाणी ढाणी की आवाज, भाई लालचंद जी मूंड जो वर्तमान डेयरी के 4 बार से लगातार चेयरमैन है, उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हमारे यूथ प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी, भाई छुट्टन यादव, भाई विजयपाल, सुजानगढ़ के अंदर
मजबूती दिखाने वाले उपचुनाव के अंदर सीताराम जी नायक, भाई बाबूलाल जी कुलदीप सुजानगढ़ से, सीकर के मेरे जिला अध्यक्ष, बीकानेर के तमाम जो मंचासीन मेरे सारे भाई, बाड़मेर जैसलमेर से मुस्लिम समाज के बड़े नेता और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रऊ मेहर साहब, छोटे भाई राजपाल और हमारे यहाँ के अध्यक्ष मदन जी, डान जी बीकानेर से हो गए, आपके महेंद्र जी सीकर से, तमाम जिला के भाई रोहित, सारी जो टीम या प्रवक्ता हमारे विजयपाल बगड़िया, तमाम सारे मंचासीन अतिथिगण, कोई नाम पूछे दिन दे, विनोद जी मेघवाल, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मुझे याद है 2018 के अंदर जब मैं इसी ग्राउंड के अंदर आया था, 18 के अंदर मेरी पार्टी को उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करने जब मेरा गला बैठ गया था, ध्यान है आप लोगों को, बार क्या जरूर बैठ गया था गर्म, तब आप बार बार गर्म पानी पिला रहे थे, तब मेरी चिंता भी आप लोग कर रहे थे कि हनुमान जी क्या हालत आपने कर ली, लेकिन सरदार शेर के जवानों की जिद थी कि आप हेलीकॉप्टर सरदार शेर के अंदर उतारो। मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी 18 के अंदर, मैं कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैं जब विधायक था मैंने प्रदेश की दुर्दशा देखी, मैं किसान का बेटा हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर मैंने सफर किया और छात्र जीवन से हमेशा किसान के बेटों की, किसानों की समस्याओं से हमेशा देखता था। मेरे मन में आई कि क्यों ना हम इस प्रदेश के अंदर ऐसी क्रांति का आगाज करें, इस व्यवस्था को बदल दें, थाने तहसील में कोई गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होके बोले आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मैंने कुछ मुद्दों के साथ लड़ाई की शुरुआत की, हुंकार भरी नागौर की धरती से 5 लाख किसान जवानों ने किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने की मांग नौजवानों की और मजबूत लोकायुक्त की बात मैंने करी। उस हुंकार के बाद जब बाड़मेर में 7 लाख से ज्यादा जवान किसान सेकंड हुंकार रैली के अंदर आए, मैं धन्यवाद दूंगा चूरू के उन नौजवानों का जो अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा के हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए नागौर से बाड़मेर की धरती पे पहुंचे, और तीसरी हुंकार जब हमने बीकानेर की धरती से भरी थी, वसुंधरा डर गई, 50,000 नौकरियां निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए सीकर से पहले, और भाइयों 5 हॉर्सपावर की बिजली भी माफ कर दी थी राजस्थान के किसानों की। उसके बाद सीकर में हुंकार भरी और जयपुर पहुंचे, तब हमारे सामने एक ही रास्ता था, इन राजस्थान के जवान किसानों के लिए कैसे लड़ा जाए। भाइयों, मैंने इतिहास उठा के देखा, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, मेरे समाज के भी दर्जनों बड़े नेता हुए और वो लगातार राजस्थान में चलते रहे, लेकिन खुद की पार्टी नहीं बना पाए, कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने छोड़ा तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करके उनका हाथ पकड़ लिया, वन लाइन लाइन में लगे टिकट लेने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि किसी न किसी को तो भगत सिंह की भूमिका में आना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं खुद ही मेरे भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। 18 के अंदर 29 अक्टूबर 2018 को नई पार्टी का गठन किया, और जब पार्टी का गठन किया वहां 4 से 5 लाख नौजवानों ने, और हमें चुनाव आयोग ने चिन्ह भी क्या दिया बताओ, बोतल का चिन्ह, वैसे सबके काम, पानी की बोतल मानो जब तो सबके काम आ जाता है, और दूसरी बोतल माने तो भी लोगों काम आती बोतल, ये देखा आपने। तो भाइयों, ये बोतल का चिन्ह हमें मिला, ये बोतल पानी की बोतल है, ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है, ये स्वच्छ
स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। जिस तरह बोतल, अपना मेहमान आता है घर पे तो अपन भाग के जाते हैं कि बोतल लेके आओ, आप मेहमान नवाजी करते हो, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद सरकार आपको शुद्ध पानी नहीं पिला रही है, इसलिए मेहमान के लिए बोतल लेके आते हो, भाई मेहमान नवाजी करी बोतल का पानी लेके आए। तो भाइयों, ये बोतल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, इसका जल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और 29 अक्टूबर के बाद एक महीने का समय मिला मुझे, नवंबर दिसंबर में चुनाव थे, और भाइयों एक महीने के अंदर 57 उम्मीदवार तैयार किए, जिसमें सरदार शेर से भी किसान के बेटों को मौका दिया था, कई जगहों पे चुनाव नहीं लड़ाए, यारी दोस्ती निभाली। मुझे लगा कि मेरे चुनाव लड़ने से कोई किसान का बेटा हार सकता है, उन जगहों पे चुनाव नहीं लड़ा हनुमान बेनीवाल ने, अपनी पार्टी को किसान कौम के खातर कुर्बान कर दिया, नहीं तो 3 से 15 विधायक मेरे राजस्थान के अंदर आते, ये सब आप सारी बातें जानते हो। इस राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल की मेहरबानी से जीते हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दर्जनों नेता हैं, अगर मैं कैंडिडेट लड़ाता तो घर बैठ जाते, जो लगातार चुनाव आ रहे थे राजस्थान के अंदर। भाइयों, मैंने कहा मेरी तो सरकार बन नहीं रही है, समय कम था, सत्ता का लालच भी नहीं था, लेकिन किसान कमजोर नहीं हो राजस्थान के अंदर, इसलिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। पार्टियों को कोई कुर्बान नहीं करता, और जवानी कोई कुर्बान नहीं करता। 2003 से लेके 2023 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, मेरे से ज्यादा इस राजस्थान में कोई नहीं लड़ा, और मोदी की सत्ता को अगर किसी ने ठोकर मारी तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के खातर मोदी की सत्ता ठुकराई, और देश में एकमात्र सांसद था जो सड़क पे बैठा था, और सड़क पे बैठने का कारण भी आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब का एक किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं था, पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा, और दिल्ली के किसान आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए, और मुझे किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है, आप हिम्मत करो, आप अगर गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन काट दो, दिल्ली और जयपुर का हाईवे को जाम करके बंद कर दो हरियाणा बॉर्डर को, तो मोदी को झुकना पड़ेगा, आप सत्ता छोड़ो, आप उस कौम से आते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते हैं। भाइयों, एक मिनट के अंदर सत्ता छोड़ी, और सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर इस किसान कौम के सम्मान की कोई लड़ाई सड़क पर लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था, वो सारी ये मेरे विधायक और सारी आरएलपी की टीम थी जो सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठी थी। 3 में वसुंधरा से झगड़ा हुआ, 3, 8, 13, 18, 19, 19 फिर वापिस 4 बार स्टेट में मंत्री पद छोड़े, लोग अपनी आगे की गाड़ी की सीट नहीं छोड़ता किसी के लिए, छोड़ता है क्या बता दो मुझे, क्या तू पीछे बैठ, मेरी ये गाड़ी खरीदी है क्या तूने। तो भाइयों, मैंने सत्ता छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि 300-400 से ज्यादा गाने आप अपने भाई के लिए आप बजाते हो। मैंने कोई एक काम किया, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब किसान के बेटे कैसे करते थे, ये तो शेखावाटी का है, ये नागौर का है, ये चूरू का है, ये गंगानगर का, ऐसे बंटे हुए थे, उन सबको एक किया, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ गंगानगर तक किसान के बेटों को एक करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। राजस्थान की सत्ता से टकराया, दिल्ली की सत्ता से टकराया, और जो अशोक गहलोत कभी किसी से नहीं हारा, उसके बेटे को जोधपुर में हरा के उसका जादूगरी का खिताब भी छीन लिया। जो कहते थे ना कि गहलोत तो सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी जादूगरी खत्म करके गहलोत को सपेरा बना दिया, और सपेरे की नागिन कौन है आप जानते ही हो। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि भूत भूतनी और बोतल का चिन्ह है, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस उपचुनाव में जीत दिलाएं, ये कोई नया उपचुनाव नहीं लड़ रही आरएलपी पार्टी, आपके आशीर्वाद से बल्लभ नगर के चुनाव के अंदर जहां किसान कौम के हमारे भाई सेकंड नंबर पर रहे और बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई, 1 साल पहले चुनाव था, सुजानगढ़ के अंदर ताल ठोकी, साड़ा में लड़े, राजसमंद लड़े, और खींवसर में जीते, नगरपालिका लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, और आरएलपी पहली पार्टी बनी राजस्थान की जिसको मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला,
और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली किसानों की और किसान के बेटों की संघर्ष की पार्टी है, जिसकी टिकट लेने के लिए जयपुर और दिल्ली के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। मेरे विधायक और पार्टी के एक दर्जन नेता पिछले 7-10 दिन से सरदार शहर के अंदर डेरा डाले हुए बैठे हैं और एक एक व्यक्ति की राय जान रहे हैं। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, और सबकी राय जानने के बाद ही आपके उम्मीदवार की घोषणा करी। मैंने लालचंद जी को जयपुर नहीं बुलाया था मिलने के लिए, लालचंद जी बुलाया थोड़ी था, टिकट ये खुद ही बांट रहे थे अपने सरदार शहर के लोग ही बैठ के, ताकि आपसे बातचीत हो जाए। हमारी ये इच्छा थी कि लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन सबको साथ लेके लड़ाई लड़नी है। मैं इतना ही संदेश आपको देता हूं, ये टेलर है और 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी पिक्चर राजस्थान का नौजवान दिखा देगा। लेकिन भाइयों, जिस फिल्म का टेलर अच्छा होता है वही फिल्म अच्छी होती है, तो टेलर आप दिखा दो, टेलर दिखा दो 80-85 हजार तो बोर्ड सीधे सीधे किसानों के। एक मिनट, फिर आपके हो गए मुस्लिम भाई 60 हजार वोट हो गए आपके, मेघवाल नाइक समाज, रेगर समाज और दूसरे, अब आप बताओ कितना बड़ा वोट बैंक। लेकिन यहाँ की राजनीति पिछले 20-25 साल से बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है, और 40 साल से ज्यादा भवनलाल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज अशोक जी उनके लिए वोट मांगने आए, मुझे याद है भवनलाल जी ने मुझे कहा था कि कैसे ही करके अशोक की सरकार गिराओ, ये सब पता आप लोगों को। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन बदल जाए पता नहीं चलता, और उसके बाद वो चले गए थे अशोक गहलोत के पास, इनके बेटे को टिकट भी दे दिया और आज अशोक गहलोत वोट मांगने आपके बीच में आ गए। लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। और राजस्थान में अगर असली लड़ाई किसी किसान के बेटे ने लड़ी तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, जिससे दोस्ती हो गई दोस्ती, और जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, जो किसान के खिलाफ है वो हनुमान के खिलाफ है। और भाइयों, ये सोच के ही मैंने प्रयास किया, और किसान कौम के विरोधी कई नेता जो राजस्थान में जोर जोर से बोला करते थे, आधे से ज्यादा को घर बिठा दिया 18 के चुनाव के अंदर, पूछ लो विधानसभा की सीढ़ियां देखी थी क्या। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे ताकत दें। राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया से बच्चे, जब मैं एनडीए गठबंधन में था बार बार फेसबुक पे पोस्ट डालते, हनुमान जी आप बिल वापस कराओ, छोड़ दो मोदी को, मोदी गोदी में बैठ गए, छोड़ दिया मोदी को, अब आओ मेरे साथ, खाली उसे डालने थोड़ी होगा। अरे भाई, ताकत लोकतंत्र में होती है कि सीटें कैसे जीती जाए। एक उपचुनाव जीता दो आप सरदार शेर का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 101 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगी। सरदार शहर के अंदर मैं कोई नया नहीं हूं, आप जब भी मेरे पास आए, विधानसभा में था तो चूरू के मुद्दे उठाता था, आपको तो ये भी पता है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई चूरू जिले की धरती से हुई। आपके लोग लड़ाई लड़ने पाए, यहाँ के नेता जवान मेरे साथ था, मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में जीत भी आपको दिलाई, चूरू जिले के लोगों को, किसानों को। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि सरदार शहर के अंदर जिस तरह का हालात, बड़े जीएसएस की मांग चल रही थी 1/32 की, लालचंद जी 1/32 दो 1/32 के जीएसएस की बात थी, हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में मुझे मंच पे बताया गया। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, सरदार शेर की जनता के काम होंगे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी सुधरेगी, नए जीएसएस भी बनेंगे 1/32 के, और सिंचाई का सपना जो भवनलाल जी ने आपको दिखाया था, वो सिंचाई का सपना भी आपको पूरा कराने के लिए अब कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके बीच, आपको ही अपने भाई को मजबूत करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कलम की ताकत अगर आ गई या कलम की ताकत के नजदीक भी बैठ गया तो हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा और हर जवान मजबूत होगा। मुझे सरदार शहर के अंदर लोग ये भी कह रहे थे कि सरदार शहर में आपके समाज का आदमी जीता दे हनुमान जी, लेकिन कहीं राजगढ़ नहीं बन जाए। मैंने कहा राजगढ़ में क्या है कि वहां बदमाशी ज्यादा होती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहां से जीतती है
और तभी इसमें अगर मजबूती होती है तो राजस्थान से सारे अपराधी जोड़ी झंडे लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। पहले भी जब भी बदमाशी हुई, आज भी जब भी बदमाशी होती है, चाहे जिस इलाके के अंदर होती है, सबसे पहले आवाज अगर किसी की आती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, आरएलपी के विधायक और आरएलपी के सांसद हर कौम के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखते हैं। भाइयों, नागौर के अंदर बंजारा जाति की कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े, उनके आशियाने उजाड़े, मैं वहां नहीं था, मेरे दोनों विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी सरकार से लड़ने के लिए मौके पे पहुंच गए, लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और 15 दिन तक हम बैठे रहे, सरकार को झुकाया और पूरे राजस्थान के अंदर एक आदेश करवा दिया कि चाहे गोचर की भूमि के अंदर कोई गरीब आदमी अगर 50-60 साल या 30-40 साल से बैठा है, अगर उसकी व्यवस्था वो दूसरी जगह कोई कर दे तो गोचर में से भी अलॉटमेंट गरीब लोगों को हो सकता है। ये आदेश राजस्थान की सरकार से अगर कराया तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। मेरे विधायकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, पेंडिंग है मामला। भाइयों, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में अगर आपने देखा है, हम ही तीसरी ताकत है। 6 बसपा के लोग जीते थे, गहलोत साहब ने खरीद लिया बसपा के 6 लोगों को, कांग्रेस में विलय कर लिया, 2 कम्युनिस्ट जीते थे, दोनों गहलोत की गोदी में बैठ गए जाके, 2 बीटीपी के थे, बीटीपी तोड़ के भाग गए, 1 लोकदल का था, लोकदल छोड़ के गहलोत के मंत्री बन गया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक थे, तीनों मजबूती से राजस्थान की सरकार के खिलाफ हमेशा लोहा लेते हुए सड़क से लेकर सदन तक आप देखते। अभी ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति का मामला चल रहा है, कांग्रेस के नेता भाषण जरूर देते हैं बाहर, ट्वीट भी करते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पे जो बोलता है वही हिम्मत वाला होता है। विधानसभा के अंदर तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ओबीसी की विसंगति को दूर करने की पुरजोर तरीके से बात करी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उस मामले में छोटे भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि इस विसंगति को दूर कराने के लिए हमें अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, राजधानी को घेरना पड़ा, घेरेंगे। ओबीसी के भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब आरक्षण की लड़ाई चली थी तभी हनुमान बेनीवाल उन नौजवान नेताओं में से था तो पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई आज से 24-23 साल पहले भी लड़ रहा था और आज भी उसी हिसाब से लड़ रहा हूं। भाइयों, हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, SC ST OBC। और जब मुझे लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण बणियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने कहा आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बणियों को भी आरक्षण राजस्थान के अंदर मिलना चाहिए। इस बात का भी समर्थन हनुमान बेनीवाल ने हुकार रैलियां विधानसभा और लोकसभा के अंदर किया था। मैं उन जातियों से भी अपील करना चाहता हूं, आपकी जातियों का जब किसी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, आप भी कृपया ओबीसी में विसंगति का कोई व्यक्ति जातीय तरीके से ऐसी द्वेषता से इस ओबीसी की विसंगति दूर करने की बात का विरोध नहीं करे, सामाजिक समरसता राजस्थान में बनी रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। मेरे सामने तो सरकारें लड़ी है, मैं सरकारों से लड़ा हूं। आपके यहाँ भवन लाल जी तो कुछ भी नहीं, हमारे वहां तो मिर्जाओं का बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मिर्जाओं को समेट के घर के अंदर बिठा दिया। तो भाइयों, और तेजाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो काम हाथ में लेता हूं जीत हासिल होती है। किसानों के मामले के अंदर चाहे लंबी सादत किसानों को देनी पड़ी, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहां हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पे सादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में कि किसानों ने मुझे झुकाया मैं क्या करूं, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला, लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों ने, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, भाइयों सबसे ज्यादा हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं। जब देश के नौजवानों पर संकट आया तो कहां चले गए वो नेता जो नौजवानों की पैरवी की बात करते हैं, अकेला हनुमान बेनीवाल
जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने बड़ी साथ देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, चूरू के अंदर बड़ी रैली का मैंने ऐलान किया था कि नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चूरू में रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सरदार शहर का उपचुनाव आ गया। उपचुनाव आ गया तो पहले उपचुनाव लड़ना हमारे लिए जरूरी है। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग कह देंगे बीजेपी से सेटिंग हो गई, और लड़ेंगे तो कह देंगे कांग्रेस से सेटिंग हो गई। अब कहां जाऊं मैं, बताऊं मुझे? मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसी ऐश्वर्या राय की स्थिति, उसको सब चाहते हैं और मुझे भी सब चाहते हैं, तभी तो मैं बार बार आप लोगों के बीच आ जाता हूं। तो भाइयों, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, और ये सुजानगढ़ की जो टीम बैठी है यहाँ पे मंच पे, मुझे पूरी उम्मीद है सुजानगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग, रेगर समाज के लोग, नाइक समाज के, जाट समाज के, मेघवाल समाज के, सारे एक ही बात कह रहे हैं कि सुजानगढ़ में थोड़ी कमी रह गई थी तो वो सरदार शहर में हम पूरी करेंगे। इनका वोट तो नहीं, इनका नहीं लगेगा, लेकिन ये वोट की अपील करेंगे। मैं राजस्थान के नौजवानों से आज मंच के माध्यम से अपील करता हूं, भाइयों, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह ने जब अंग्रेज को गोली मारी, तब भगत सिंह को लोगों ने कहा कि आपको फांसी होगी, भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी होगी तो क्या है, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, मैं तो जब चाहूं सत्ता मेरा इंतजार कर रही है, जब चाहूं दिल्ली में मंत्री बन जाऊं, जब चाहूं स्टेट के अंदर अभी मेरे पार्टी के किसी विधायक को मिनिस्टर कल सुबह ही बनवा दूं। ये मंत्रियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता पे कब्जा करने की है। रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ की 43 सीट राज छीनने के लिए तैयार बैठी है। सरदार शहर के अंदर आप चुनाव जीता दो, सरदार शहर की जीत से गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी और चुरू की जो 50 के लगभग सीटें भाइयों, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ऐसी लहर चलेगी, ऐसी सुनामी चलेगी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस सुनामी के अंदर उड़ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये आपको वोट के माध्यम से दिलाना है। कहीं ऐसा नहीं हो मैं गांव-गांव घूमूं, मुझे यहाँ घुमा भी लो, उसके बाद वोट भी कम आए तो लोग कह देंगे सरदार से जीते नहीं, कहां से जीतेंगे। या तो वैसे भी राजस्थान के अंदर तो आप जानते हो कि सुस्त वोट है, लोग सुस्त है। जैसे वसुंधरा का नारा लगता था ना, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, 8 PM नो CM। अभी देखो आप सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू गिनते जाओ आप, रतनगढ़, सुजानगढ़, नौर, भादरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, डूंगरगढ़, लूणकणसर, फिर आ जाओ, ये 25-30 तो किसानों की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1-1 लाख किसान और 60-70 हजार मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग है, फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की टिकट की लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। कोई किसी को अपना पापा बना लेता है और कोई किसी को मम्मी बना लेता है टिकट के लिए वहां जाके। तो भाइयों, लड़ने के लिए दम चाहिए, और दम नौजवान मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े। मैं कभी थक जाता हूँ यार, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 10-15 ML आ जाएंगे, बाद में वही करना। तो आवाज आती है चुरू जिले से, बाड़मेर के किसी गांव से, हनुमानगढ़ हरियाणा के किसी गांव से, हनुमान जी हरियाणा भी आपकी तरफ देख रहा है, यूपी भी आपकी तरफ देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है, हमारे नेताओं ने हमें बेच दिया, आप हमें बचाना, आप किसानों के रखवाले हो, आप लड़ते रहो, एक दिन आपका आएगा। और भाइयों, इसी उम्मीद के साथ हनुमान बेनीवाल इन दोनों पार्टियों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, सत्ता छोड़ के सड़कों पे घूम रहा है, वो गांव-गांव ढाणी ढाणी घूम रहा है। इस प्रदेश के अंदर जब माफिया हावी होता है तो RLP मजबूती के साथ उस माफिया के खिलाफ लड़ती है। आज बजरी की क्या स्थिति है, वही बजरी का ठेकेदार जो वसुंधरा को पैसे देता था, वही बजरी का ठेकेदार गहलोत के यहाँ पैसे दे रहा है, सारी बजरी की माइन से खुद के नाम करा ली। बजरी शायद 12-15-20 हजार रुपए ट्रक आती है, जो बजरी 2000 रुपए ट्रक गरीब लोगों को बजरी मिलती थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। देखिए बजरी वाले किस तरह अभी हो गए माफिया, जोधपुर के अंदर देखिए 2 दिन पहले की घटना,
उससे पहले बालोत्रा में किस तरह युवक को कुचल के मार दिया, राजस्थान में कई जगह आप देख रहे हैं बजरी माफिया किस तरह अभी है, बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, इन सब का एक इलाज है। अगर आप चाहते हो कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकले और ऐसा महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन में घूम रही हूँ, वो व्यवस्था तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर दे सकती है, न कांग्रेस दे सकती है, न भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जब मैं पहले आरोप लगाता था कि वसुंधरा गहलोत एक है तो लोग कहते थे हनुमान जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। भाइयों, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिराने में थे, उस समय जो वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी और कई विधायक अशोक गहलोत को दिए, बदले में गहलोत उसकी मदद कर रहा था, चाहे माथुर आयोग हो, चाहे वसुंधरा का पीए कमठान कालीन चोर के भाग गया, उस मुकदमे में एफआईआर दी और कई लोगों को आपस में एक दूसरे ने बचाया। इसी का परिणाम है कि राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। आज अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, पता लगता है कि थाने में बलात्कार हो गया, एम्बुलेंस में रेप हो गया, छोटे बालकों के साथ, छोटी बालिकाओं के साथ। आखिर कौन बचाएगा हमें, कौन इस व्यवस्था को बदलेगा? भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, नौजवानों उठो, हर क्रांति का हीरो नौजवान था भगत सिंह की भूमिका के अंदर आपका भाई चल रहा है, वो सत्ता छोड़ के आपकी सत्ता के अंदर मजबूती और सत्ता पे कब्जा चाहता है। आधी अधूरी सत्ता हनुमान बेनीवाल नहीं चाहता। लोकतंत्र के अंदर दो ही तरह के लोगों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो अपने लोगों का भला कर दो। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान की अगर सरकार आई, आरएलपी की सरकार राजस्थान में आई और सरदार शहर आपने अगर जीता दिया तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाके खड़ी हो जाएगी, इसका अंदाज भी आपको नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नौकरियों के कैंप लगवा दूंगा राजस्थान के अंदर, जिस तरह प्रशासन गाँव के संग अभियान चलता है, शहरों के संग अभियान चलता है, हर डिपार्टमेंट में कितने खाली पद है, कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर। मैं सारे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर लड़ने के लिए विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, विधानसभा में मामला उठाने के लिए विधायक चाहिए। मेरे पास तीन विधायक है, तीन विधायक विधानसभा ठप नहीं कर सकते, और मैं तो अकेला ही लड़ रहा था लंबे समय से। देखा मैंने 8 से 13, 13 से 18 जब मैं था तो कांग्रेस के 20-21 एमएलए थे। वसुंधरा जब खड़ी होती थी भाषण देने के लिए, मैं मेरी सीट पे खड़े होकर वसुंधरा को बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा तुम्हें, मुझे बाहर निकालते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन मैं डरा नहीं कभी भी। और जो हार्डकोर क्रिमिनल राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, उन हार्डकोर अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो नागौर के सांसद ने उन किसानों के दुश्मनों को धरती दिखाई और कईयों को दूसरा रास्ता भी दिखाया। ये सारी बातें आप जानते हो, ज्यादा नहीं कह के मैं दोबारा आपसे वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊं, लेकिन मेरे पास किराया नहीं था हेलीकॉप्टर का, इसलिए मैं गाड़ी से आया हूं। आज दोबारा हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन आपको इस बात के लिए ये करना होगा 2-3-4 जगह उड़ा पाएंगे, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर मोदी जी ने और राहुल गांधी ने वहां गुजरात बुला लिया, हिमाचल चले गए सारे हेलीकॉप्टर, हिमाचल में चुनाव हो गया, गुजरात का बाकी है। हमारे पास कोई एक आध हेलीकॉप्टर देखेंगे, एक आध दिन का कोई आप लोगों से व्यवस्था करेंगे, कौन देगा मैं बताऊं हेलीकॉप्टर देने के लिए कितना चाहिए। भाइयों, ये बातें ऐसे नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी का अकाउंट है ना, आप उसको देख सकते हो, अभी आरएलपी पार्टी को देख लो उसके अकाउंट में क्या है। मैं तो सत्ता अभियान ही नहीं, तुम लोग ही मेरी ताकत हो। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आपका सोशल मीडिया का क्या प्रोग्राम चल रहा है, मैंने कहा चल थोड़ी रहा, अपना भी चल रहा, भगवान के बच्चे खुद ही चलाते हैं, खुद ही किसी चीज को ट्रेंड करवाते हैं, एक नंबर पर ले आते हैं, इनका मन होना चाहिए। लेकिन मुझे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी पार्टी, लोगों को इस बात का भरोसा नहीं होता ना, क्योंकि राजस्थान में थर्ड फंड बना ही नहीं, एकदम से कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ अंग्रेज आए व्यापार करने और 200 साल राज करके चले गए, आए तो व्यापार करने, देखा यहाँ मामला ठीक है, राज कर लो इनको, कर लिया राज, भाई से भाई को लड़ा के फूट डालो, राज करो। इस राजस्थान में अगर सोचा भी होगा तो किसी ने ये सोचा होगा मैं चूरू का नेता बन जाऊं, मैं नागौर का बन जाऊं, मैं सीकर का बन जाऊं, मैं हनुमानगढ़ का बन जाऊं, मैं बाड़मेर का, मैं भरतपुर का। इस राजस्थान में किसान राजनीति का नेतृत्व करने का किसी ने नहीं ठाना, और जब मौका आया चूक गए, कोई किसी कदमों में चले गए, कोई किसी पार्टी का दामन थाम गए, तो ये हालात राजस्थान के थे। इसीलिए
सरदार शेर के अंदर विकास नहीं हुआ। अगर सरदार शेर में किसान नेता चाहते, 50 साल पहले सरदार शेर में नेर आ सकती थी, 60 साल पहले आ सकती थी। मारवाड़ की धरती पे, शेखावटी की धरती पे नेर का सिंचाई का पानी अगर 50-60 साल पहले आता, हमारे पड़ोसी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह पैदावार नाली की जमीनों के अंदर जिस तरह पैदावार होती है, वही पैदावार सरदार शेर और मारवाड़ की धरती पे होती। हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया, हमें अंग्रेजों ने मारा, हमें जागीरदारों ने मारा, हमारे नेताओं ने मारा और अकाल ने धोखा दिया, फिर भी हम टूटे नहीं, झुके नहीं। आज भी भारत माता अगर सुरक्षित है वो किसान के बेटों के बल पर सुरक्षित है। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे, दुर्गम रस्तों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 हथियार लेके या रॉकेट लॉन्चर लेके अगर कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने झुकना नहीं सीखा। कई लोगों का तो इतिहास गांव गली मोहल्लों का इतिहास है, हमारा दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली के दरवाजे भरतपुर वाले ले आए थे, भरतपुर के राजाओं ने दिल्ली पे राज किया था। हम हाँ एक जरूर बात है कि सेमीफाइनल खेलते, हम फाइनल नहीं खेलते। सेमीफाइनल में कह देंगे जीत का, अरे फाइनल तो होने दो अभी पूरा। तो फाइनल खिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया है। एक बार आने से आप भी नहीं मानते, आपने मुझे कहा छोड़ो दिल्ली, छोड़ दी दिल्ली, छोड़ो राजस्थान, छोड़ दिया राजस्थान, आओ सर बनाओ पार्टी, बना दी पार्टी, लड़ो सड़कों पे, लड़ रहा हूँ सड़कों पे, लड़ो उपचुनाव, कभी मना नहीं की। लालचंद जी को लड़ो, लो लालचंद जी, अब कोई सुनो, जैसा आपने कहा वैसा ही करता जा रहा हूँ, आपके कहने से ही कर रहा हूँ। लेकिन हमारी वो गाना चलता है ना कि चौधर दिल्ली में चले जयपुर में चले, तो ऐसे तो चलेगी नहीं, तो जीतने चलेगी चौधर। हाँ ये सही है कि बीजेपी को तो थर्ड नंबर पर डाल दोगे आप, जीते कैसे? बीजेपी को तीसरे नंबर पर रखने के लिए लड़ रहा हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शेर के अंदर चुनाव जीते। और भाइयों, मैं मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों से भी आह्वान करता हूँ, मैं ग्वाल समाज के भाइयों से आह्वान करता हूँ, सर्व समाज से आह्वान करता हूँ कि तीसरे मोर्चे जहां भी बने देश के अंदर, चाहे हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश बिहार का इतिहास उठा के देख लो, बड़ी जातियों के साथ मुसलमान जब आया, मेघवाल आया, तब वहां सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती सीएम बनी तो मुसलमान उसके साथ था, मुलायम सिंह यादव बने मुसलमान साथ था, लालू यादव बने यादवों के साथ मुसलमान था, चाहे हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार या चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और यूपी का सीएम बने तो यूपी का मुसलमान उस समय किसानों के साथ खड़ा था। मैं आह्वान करता हूँ सरदार शेर के मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे मेघवाल भाइयों से, सर्व समाज के ओबीसी के भाइयों से, सर्व समाज से, ये लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई है। ये हनुमान बेनीवाल चुनाव अगर हारेगा तो हनुमान नहीं हारेगा, ये सरदार शेर का जवान और किसान चुनाव हारेगा। इस चुनाव पे दिल्ली की नजरें, अगर आपने सरदार शेर सीट जीता दी तो मैं मोदी जी को भाषण नहीं देने दूंगा लोकसभा के अंदर, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और सरदार शेर जीता दी तो कांग्रेस की भी विदाई तय हो जाएगी राजस्थान से, लेकिन सरदार शेर के अंदर जीत चाहिए। वोट नहीं चाहिए कि खाली 50,000 वोट ले लिए, 60,000 ले लिए, इतने वोट आने चाहिए। नौजवानों, एक एक व्यक्ति आज ही प्रण करो कि मुझे 10 वोट मेरे भाई के लिए दिलाना है, जिस भाई ने सत्ता को ठोकर मार के नेताओं को ठीक कर दिया। ये वही राजस्थान है जहाँ नेता नमस्ते नहीं करते थे, ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है, ये नौजवानों के आगाज का ही परिणाम है कि नेता बिना बुलाई शादियों में चले जाते। अरे साहब इधर से निकल रहा था तो ढोल काम बजने मैं आ गया 2 मिनट, लो साहब ये मैंने ही किया नेताओं को ठीक, ये मैंने ही किया, नेता रात रात घूमने लगे। जो वंशवाद की राजनीति थी, नागौर में बड़ा साम्राज्य था मिर्जाओं का, घर बिठा दिया उनको, और किनका था उनको बिठा दिया। यहां से भी वंशवाद आपको खत्म करना होगा। पवनलाल जी की अब सिंपैथी का वोट मत डालना, किस चीज की सिंपैथी, वो तो शायद 90 साल के थे पवनलाल जी, वो मेरे को पहले ही कह रहे थे, 1 साल पहले कह रहे थे मुझे कि मैं तो जाऊंगा, मैं पहले कहते पता लग गया आपको कि मैं तो जाऊंगा हनुमान भाई, अब तुम लोग इस गहलोत के पीछे पड़ो, तो उनकी बात मान लो अपने, क्या पढ़ा हुआ उनका बेटा तो गहलोत की फोटो लगा के वोट मांग रहा है,
मैं तो लड़ रहा हूँ ना 100 किलो से, लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात को देख लो आप लोग। सरदार शेर से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन गुजरात के चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, 8 को आएगा ना गुजरात का, अपना भी 8 को आएगा ना। अगर सरदार शहर में आरएलपी जीतती है तो गुजरात में कौन जीतता है? जो भी जीतेगा उसकी जीत फीकी पड़ जाएगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप अपने भाई का साथ दें, इतना भरोसा दिलाता हूं। मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है उसका हाथ नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी, और उसी का परिणाम है इस राजस्थान में बड़ी रैलियों के जो रिकॉर्ड है, इस देश की बड़ी रैलियों के अंदर जो शुमार किसान और जवान अपने अपने साधनों से आते हैं, वो हनुमान बेनीवाल अपने भाई के लिए आते हैं। मैं जानता हूं कि आज 100 रुपए लीटर डीजल है, और मैं निकलता हूं एक गाड़ी लेके और 100 गाड़ी लेके आप आ जाते हो रोज। मुझे ये भी नहीं कहते कि भाई साहब आज नहीं आऊंगा कल नहीं आऊंगा। मेरे लिए कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कईयों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कईयों के कैरियर खराब हो गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई अगर सत्ता के अंदर आया, सत्ता के नजदीक भी आया, तो सारा फॉल्ट एक साथ निकाल दूंगा, एक साथ आप सबको आगे लेकर आ जाऊंगा, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ भाइयों। मुख्यमंत्री और सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा, और सत्ता का रास्ता सरदार शहर से होके निकलता है। सरदार शहर में आप ये जो आंधी है आरएलपी की, इसे तूफान बना दो, ये सिक्योरिटी वाले सुनामी बना के राजधानी में राज करेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आपने देखा है, जम के लूटा है, न कोई विपक्ष है न पक्ष है, हर एमएलए लूट रहा है इस राजस्थान को। गहलोत को सरकार बचाने की चिंता है और पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। बीजेपी में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको भाई लालचंद को बोतल का चिन्ह है, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों को वोट देके आप इनकी मदद करना, क्योंकि टिकट सरदार शेर की आम आवाज जवान किसान छत्तीस कौम की इच्छा थी कि लालचंद मुंड को उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने आपकी इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार भी बना दिया, हम सब यही रहेंगे जब तक चुनाव होगा। आप जितना घुमाना चाहो मुझे घुमा लेना, कहीं ऐसा नहीं हो गली गली घुमाने के बाद भी ये हो कि आरएलपी तो दूसरे नंबर पर रह गई, तो फिर मेरी भी आवाज निकलती है, समझ गए ना, कि घूमे थे ना गली गली क्या कर लिया। तो ये कहना है कि गली गली घूमे, हम तो गली गली नहीं जहां जहां घुमाएंगे हनुमान जी को, लेकिन ये चुनाव इस राजस्थान का नौजवान लड़ रहा है। राजस्थान के बदलाव की शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी भाइयों, किसान राज की देश में शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी। ये सरदार शहर कोई कमजोर इलाका नहीं है, ये सरदार शहर वो इलाका है, ये चूरू वो इलाका है, ये शेखावटी वो इलाका है जिन्होंने आजादी से पहले भी लड़ाइयां लड़ी, किसान आंदोलनों के अंदर सामंत प्रथा का विरोध किया, जागीरदारों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन नेताओं के धोखे की वजह से विकास में हम पीछे रह गए। आपका भाई विकास के पथ पे आपको आगे लेके जाएगा, यह विश्वास दिलाता है। 36 कौम को साथ लेके चलूंगा, अगर नहीं मानते हो, जिससे मेरा काम पड़ा जो मेरे पास आ गया वो मेरा हो गया, जो मेरे से मिल लिया वो मेरा हो गया, मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, कांग्रेस भाजपा को आप 70 साल से देख रहे हो, बीजेपी को 45 साल से देख रहे हो और कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हो, एक बार राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को देखो। जब भोपालगढ़ के अंदर पुखराज गर्ग जीत सकते हैं, एक किसान दलित की बेटी इंदिरा बावरी मेड़ता में जीत सकती है, क्यों सर जीत सकते हैं, और अपने चिन्ह पे अगर नागौर की लोकसभा जीत सकते हैं तो सरदार शहर कमजोर इलाका नहीं है, ये मजबूत इलाका है। अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो और इस बार बदल दो व्यवस्था को, दोनों परिवारों को घर बिठाओ, और जिस परिवार ने 40 साल यह राज किया है, इस वंशवाद की राजनीति के खात्मे की शुरुआत सरदार शहर की धरती से आप करो। मेरा साथ दो, अपने भाई को मजबूत करो, नई ऊर्जा दो, ताकि वो ऊर्जा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा आपके तैयार खड़ा रहे। मैं आपका इतना ही विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो कहता है वो करता है। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, हाथ बीच में नहीं छोड़ता, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। सरदार शेर को विकास के अंदर आगे लेके जाएंगे और विकास की गंगा बहा देंगे।
अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप विकास की गंगा कैसे बांधोगे, राज तो कांग्रेस का है। मैंने कहा राज है कहाँ, राज तो किसी का ही नहीं है, राज तो डर का है, डर हमारा ही है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आप जिता दो लालचंद मुंड को, और जितने काम बाकी है वो 6 महीने में करा लेना, मैं खुद आके बैठ जाऊंगा आपके काम कराने के। इतनी मैं अपील आपको कर सकता हूँ। मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ईस्टर्न कैनाल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ERCP का परियोजना सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, उसको पीने का पानी मिले 13 जिलों को, ये हमारे भरतपुर से आए हैं सारे लोग, पीने का पानी मिले, सिंचाई मिले, इंदिरा गांधी नहर का सिंचित क्षेत्र बढ़े, रावला गढ़साना से लेकर गंगा हनुमानगढ़ का किसान हमेशा आंदोलित रहता है, किसान को समय पे पानी नहीं मिलता, कितना भारी भ्रष्टाचार है। तो भाइयों इस राजस्थान की लड़ाई देश में अगर कोई लड़ रहा है तो चॉइस तो मोदी का जयकारा लगाता है, और नागौर का सांसद आपका जयकारा है, लोकसभा के अंदर लड़ाई लगा के राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है, और विधानसभा में भी तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है तो तीनों विधायक आम आदमी गरीब आदमी किसान दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपका भाई 25 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के सफर के अंदर आपने मुझे लड़ता हुआ ही देखा होगा, और एक चीज और देखी होगी, जो बात मैं पकड़ लेता हूँ वो छोड़ता नहीं, और जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे याद दिला देता हूँ, ये आपने अच्छी तरीके से देखा है। मैंने जिनका पीछा किया अब क्या कि सारे ही मोर्चे खुले हैं सब तरफ चारों तरफ, मेरे को सारे टारगेट करते हैं, तो अब मुझे आप मदद करो, यहां से नई ऊर्जा दो सरदार शेर के अंदर, इस तरह वोट पड़ने चाहिए जैसे खींचर की धरती पर हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ता है, उसी तरह सरदार शेर में बोतल का बटन इतनी बार आपको दबाना 5 तारीख को कि बार बार EVM खराब हो जाए और नई मशीनें लानी पड़े, और ये बोतल यहाँ से जीते और इस बोतल में भूत भूतनी को बंद करके और मैं लेके और बाहर जाऊं, ये मैं अपील आपके बीच करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, सारे लोग मिलके भाई लालचंद मुंड को भारी वोटों चुनाव जिताएं, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं सबको, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हनुमान बनियाल, हनुमान बनियाल।